Good morning, friends. Good morning, everyone. Good morning, sir. So, how are you feeling? How was the first day? Great. Enjoyed all the lectures? Or enjoyed few lectures? All the lectures, especially? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ. तुम्हारा जवाब भी समझ रहा हूँ और तुम क्या बोल रहे हो वो भी समझ रहा हूँ. ठीक है, तुम्हारे मन में क्या है और जुबान पे क्या है, दोनों में समझ रहा हूँ. ठीक है, चलेगा ना? इनफैक्ट देखो, कुछ चेहरे तो अभी मुझे जवाब दे रहे. ठीक है, चलो करें कंटिन्यू हम लोग. यस, तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, कल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था. स्ट्रेट वी विल स्टार्ट विथ द सिलेबस. ओके, बिकॉज वी आर नॉट टारगेटिंग जनवरी 25, वी आर टारगेटिंग सेप्टेम्बर 24 एग्जाम, विच मेक्स अ डिफरेंस टू आवर करियर. आप ये मत समझो कि सर चार महीने से ऐसा क्या होने वाला है, बहुत फर्क पड़ता है. चार महीने मतलब आगे के अगर तुम देखोगे तो एक 15-20 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से 50-60 लाख रुपए का नुकसान तुम्हारा. बराबर है ना? है या नहीं? कम से कम ना, करेक्ट और नॉट? चार महीने वेस्ट मतलब करियर के शुरुआत के चार महीने मत पकड़ो, करियर के पीक के चार महीने आप कम कर रहे हो, तो वो चार महीने का लॉस तो बहुत ज़्यादा है ना फिर, है कि नहीं? तो वी हैव टू गिव आवर बेस्ट. ओके, एंड वी हैव टू स्टार्ट डायरेक्टली दी लेक्चर्स सिलेबस फ्रॉम टुडे. बीच में आपको कभी भी लगे कि नहीं सर हमें थोड़ा डिप्रेशन फील आ रहा है, मोटिवेशन दो, तो अपन कोई मोटिवेशनल सेशन रखेंगे दूसरा. चलेगा ना बच्चों? वही काम मोटिवेट करे, वही आदमी मैथ्स भी पढ़ाए, थोड़ा मुश्किल है ना यार, क्या लगता है आपको? बराबर है ना? उसमें भी स्पेशलाइज्ड आदमी को लाएंगे अपन फिर. चलेगा ना? आप बोलो ऐसे कि सर हमको मोटिवेशनल डोज की जरूरत है, अपन वी विल ब्रिंग सम स्पेशलाइज्ड पर्सन जो आपको मोटिवेट करेगा. चलेगा ना बच्चों? ओके, चलो फिर. आपके पास आइदर हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बता दूं, या आपके पास कम से कम चैप्टर वन का प्रिंट आउट है. यस और नो? दोनों में से एक है. अगर चैप्टर अभी भी बता रहा हूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर चैप्टर वन का प्रिंट आउट नहीं है बाय एनी चांस, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स है. बराबर ना? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वन अभी भी है. ओके, वो डाउनलोड करके यू कैन टेक अ प्रिंट आउट. जहां तक मुझे दिख रहा है फेस टू फेस सारे बच्चों के पास हार्ड कॉपी है चैप्टर वन का. ये सिर्फ चैप्टर वन है बच्चों, ऐसे 18 चैप्टर्स है अपने पास टोटल. बराबर है ना? नो डाउट हर चैप्टर इतना साइज का नहीं है, कुछ चैप्टर छोटे भी है, कुछ इससे बड़े भी है. आप समझ रहे हो? कुछ इससे बड़े भी है. आप समझ रहे हो? तो इन टोटल देर आर अबाउट 18 चैप्टर्स. ओके, इसमें कुछ पार्ट नहीं है, मे बी अराउंड 20-25 पेजेस जो मुझे एडिशन करना है वो आपको मैं बाद में दे दूंगा. अब समझ रहे हो क्या? इंस्टीट्यूट ने कुछ छोटा सा एडिशन किया हुआ है बाद में, जो ये हार्ड कॉपी में नहीं, मेरे पास है नोट्स बट इसमें नहीं है. आप समझ रहे हो क्या? तो वो आपको मैं एंड में प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, तो दिस इज 99% ऑफ योर सिलेबस. कितने चैप्टर से आप देख पा रहे हो यहां पे? यहां पे इंडेक्स में तो 14 दिख रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूं ये 14 मतलब 18 कैसे है. चलेगा क्या? ओके, पहला चैप्टर का नाम पढ़ो. रेशो, इधर 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 तुम्हारे पास एक ही है, रेशो प्रोपोर्शन लॉग्स इंडाइसेस. हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस एंड लॉग्स, या लॉग्स इंडाइसेस, बोलो, बात तो एक ही है. सेकंड क्या है बताओ? टाइम वैल्यू ऑफ मनी. या इस चैप्टर को तुम चाहो तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विथ एप्लीकेशंस ऑफ एन्यूटी, ऐसा भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विथ एप्लीकेशंस ऑफ एन्यूटी, ये सेकंड चैप्टर. थर्ड चैप्टर क्या है? एपी एंड जीपी, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तुम चाहो तो इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसा भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? सीक्वेंस एंड सीरीज. तो कितने चैप्टर हो गए ये? 3. नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर क्या है? इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस. तो इनइक्वालिटीज एक चैप्टर है आईसीए का, एंड दूसरा चैप्टर है इक्वेशंस, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस सीखना है इन डिटेल. तो ये 4 तक आ गए, मतलब एक्चुअली 5 चैप्टर हो गए ना बच्चों, है या नहीं? क्योंकि इनइक्वालिटीज इक्वेशंस को हम अलग काउंट करेंगे तो 4 का 5 हो जाएगा कि नहीं? ओके, देन फिफ्थ चैप्टर कौन सा है यहां पे? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. नेक्स्ट कौन सा है? सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशन. तो ये वॉल्यूम 1 के 6 चैप्टर, मतलब एक्चुअली 7 हो गए क्या? 7 हो गए क्या? तो ये 7 चैप्टर्स, मतलब जो भी नंबर ऑफ चैप्टर यहां पे लिखे उसमें 1 ऐड होने वाला, इतना तो पक्का.
कौन सा वर्ड ऐड होने वाला है? इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस, जो अलग है वो एक ऐड होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो दो चैप्टर की जगह एक ही काउंटेड है। बराबर है बच्चों? ओके चलो, सेवन चैप्टर क्या है? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। एट क्या है बताओ? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस का। नेक्स्ट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट कौन सा है? थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन कॉल इट एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तुम इसको क्या बोल सकते हो? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट कौन सा है? डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट कौन सा है? 13th, लॉजिकल रीजनिंग। उसके अंदर चार चैप्टर्स है। नाम दिख रहा है क्या आपको चारों के? क्या क्या नाम है? पहला बोलो, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डीकोडिंग, ऑड मैन आउट, ये पहला है। दूसरा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। थर्ड कौन सा है? ब्लड रिलेशन। फोर्थ कौन सा है? सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहां पे एक ही नंबर है, बट वो चार चैप्टर है, मतलब 3 ऐड करना पड़ेगा अपने को। और तो इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस का एक एडिशन और ये एक एडिशन, मतलब टोटल यहां पे इंडेक्स में जितने भी चैप्टर्स है उसमें 4 ऐड हो गए कि नहीं? यस और नो? एंड लास्ट कौन सा है यहाँ पे? 14, इंडेक्स नंबर। तो इवन दो वी आर एबल टू सी 14 ओवर ईयर, इन टोटल देर आर 18 चैप्टर्स कवर्ड इन दिस बुक। आपको समझ रहा है? क्योंकि वो जो चार चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग के, उसको मैंने यहां पे एक ही नंबर दिया है। एंड इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस जो दो चैप्टर है उसको मैंने यहां पे एक ही नंबर दिया हुआ है। तो इवन दो वी आर एबल टू सी 14 इन दिस इंडेक्स, देर आर 18 चैप्टर्स इन दिस वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू, या विच इज प्रोवाइडेड टू यू ऑलरेडी, वट एवर इट इज। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर? रेशियो, प्रपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट माई फ्रेंड्स, बट मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूं, अभी एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं आपको, कि आपको कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आना है बच्चों। आपको पता है कोई कंक्लूजन मतलब क्या समझा ना आपको, कि भाई मुझे समझ रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है, मुझे आप टाइम दोगे बराबर तो मैं आपको 70+ मार्क्स दे सकता हूं। समझ रहा है क्या? मेरे पास कोई मैजिक नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं नहीं ये कुछ तो ऐसा रहेगा, आधा घंटे में कुछ तो करेगा कि मुझे तुरंत मैथमेटिक्स इजी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप मुझे टाइम दोगे, आप बोलोगे सर हम 200 घंटे आपके साथ में यहां पे पढ़ाओ आप, तो मैं आपको एक लेवल पे लाके छोड़ूंगा कि आप बोलोगे कि सर मैथ्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है आपको ये? बाकी कोई भी सब्जेक्ट आपको उस समय के मार्क्स देने में काम में आ सकता है, बट मैथ्स आपको जिंदगी भर हेल्प करेगा बच्चों। आप समझ रहे हो? कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जहां पे मैथमेटिक्स नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? कोई दूसरा स्ट्रीम भी पकड़ लो, मैथमेटिक्स से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा आपको। आर यू गेटिंग दिस? तो प्लीज ओके, अच्छे से ध्यान देना, कोई कंक्लूजन पे मत आना। गिव योर राइट योर 100%, आपका 100% ट्रस्ट भी होना चाहिए जहां पे आप पढ़ रहे हो। आप समझ रहे हो क्या? तो फिर ये प्रोसेस इजी हो जाएगा। चलो फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, रेशियो, प्रपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस। आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? रेशियो मतलब होता क्या है? हाँ बोलो, रेशियो बोलो, रेशियो क्या होता है? अब जैसे कि समझो मेरा वेट है लेट अस से 100 किलोग्राम्स एंड ये बच्चे का वेट है लेट से 45 किलोग्राम्स। तो कैन आई से रेशियो ऑफ माय वेट टू हिज वेट इज 100:45? 100:45 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 20:9। 20:9 कैसे 20:9 लिख सकते? दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो अच्छा, अगर मैंने बोल दिया कि मेरा वेट और इसका वेट का रेशियो 20:9 है, इसका मतलब ऐसा निकलता है कि मेरा वेट 20 किलोग्राम है एंड इसका 9 किलोग्राम, ऐसे निकलता है क्या? तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि अगर मेरा वेट 20x है तो उसका वेट 9x है। जहां पे x क्या है वो तो बाद में देखा जाएगा। यस और नो? बट एटलीस्ट कंपेयर, x कुछ भी हो, एटलीस्ट एक कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं? समझो मैंने बोल दिया कि मेरा इनकम इज टू ये लड़की का इनकम का रेशियो 2:3 है। क्या है बोलो? 2:3 है। इससे सिर्फ इतना समझ रहा है कि मेरा इनकम अगर 2 लाख है तो इसका कितना है? 3 लाख। मेरा 2 करोड़ है तो इसका 3 करोड़ है। मेरा अगर 2 मिलियन है तो इसका 3 मिलियन है। करेक्ट और नॉट? मेरा इनकम आपको नहीं समझा ना उसका समझा, बट एटलीस्ट आपको दोनों का रिलेशन समझा कि नहीं? या दूसरे का इनकम पहले के कितने टाइम्स है या एग्जैक्टली क्या प्रपोर्शन में है, ये समझ रहा है कि नहीं आपको? When I say my income to her income का ratio is 2:3, तो ratio is basically a fraction. Ratio is basically a fraction. 5:7, 7:9, 18:17, ये क्या है? Fractions है ना बच्चों ये? Yes or no? तो ratio is basically a fraction. Used किसके लिए use होता है ये fraction? For बोलो बोलो, for
कंपैरिजन, फॉर कंपैरिजन, किसका कंपैरिजन बच्चों? टू और मोर क्वांटिटीज। अच्छा, वो दो और टू और मोर क्वांटिटीज, किसी के एज रह सकता है, किसी का इनकम रह सकता है, किसी का वेट रह सकता है, किसी का हाइट रह सकता है। समझो, मैंने बोल दिया कि ए बी एंड सी का हाइट का रेशियो है 7:9:11, 7:9:11। मैंने कुछ बोला नहीं कि 7 फीट है, 9 फीट है, ये सेंटीमीटर्स में हो सकता है, मिलीमीटर्स में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट और नॉट। बट अगर मेरा हाइट 70 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले का 90 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं? फिर अगर रेशियो 7:9 है तो, एंड तीसरे का 110 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं? 70, 90 and 110 हुआ कि नहीं? फिर इफ द रेशियो इज 7:9:11, तो क्या है रेशियो बताओ? रेशियो इज अ, बोलो बोलो सब लोग बोलो, रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विच आर ऑफ सेम टाइप, विच आर ऑफ सेम टाइप, विच आर ऑफ सेम टाइप। आपको लग रहा है सेम टाइप मतलब क्या? आप बताओ, मेरा एज और ये बंदे का इनकम का कोई कंपैरिजन होता है क्या? मेरा हाइट एंड इसका वेट का कोई कंपैरिजन होता है क्या? नहीं, कोई संबंध नहीं है। बट मेरा वेट एंड इसका वेट, मेरा इनकम उसका इनकम, मेरा एज इसका एज का कंपैरिजन हो सकता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो कंपैरिजन किसका होता है? टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप एंड एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सेम टाइप एंड एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अच्छा बताओ, मेरा इनकम है 2 करोड़, मेरा इनकम क्या है? इसका इनकम है 10,000, इसका इनकम है 10,000, तो कैन वी से रेशियो ऑफ आर इनकम इज 2:10? 2 करोड़ 10,000 चलेगा क्या? ऐसे 2:10 बोलने से क्या लग रहा है कि इसका इनकम मेरे से 5 गुना है? बोल रहा है हां सर 5 गुना है, तो 2 करोड़ का 5 गुना है क्या 10,000? आप समझ रहे हो क्या? तो क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस इन द, बोलो, सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखो बच्चों, रेशियो को यूनिट नहीं है, जब मैं बोला 1:3 इसको में कोई यूनिट नहीं है, बट उसके अंदर का जो क्वांटिटी होता है उसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? रेशियो, मैंने बोल दिया कि भाई मेरा एज और इसका एज का रेशियो 2:1 है, तो मैंने बोला क्या? 2 ईयर्स है, 1 ईयर है, 2 डेज है, 1 डे है, 20 मंथ्स, 10 मंथ्स, 200 मंथ्स, 10 मंथ्स, कुछ बोला क्या मैंने? कुछ भी नहीं। रेशियो को यूनिट नहीं है, बट उसके अंदर का एक जो क्वांटिटी है उसको तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा ना। तो चलो बताओ, रेशियो मतलब क्या होता है? हाँ बोलो, रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विच आर ऑफ सेम टाइप एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट में, रेशियो इज अ फ्रैक्शन। आपको शायद अब समझेगा धीरे धीरे कैसे लिखना है यहां पर, समझ आएगा आपको ये? मैं जो भी सीख रहा हूं ये सब कुछ यहां पे लिखा हुआ रहता है, सिर्फ आपको वो मेरे साथ में कंप्लीट करना रहता है, बाद में पढ़ना भी रहता है। धीरे धीरे 1-2-3 लेक्चर लगेगा आपने थोड़ा फ्रीक्वेंसी मैच होने के लिए, बट उतना टाइम दे सकते हैं ना अपन, है या नहीं है? रेशियो इज अ, बोलो, फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज, टू और मोर क्वांटिटीज विच आर, यहां पर लिखो ऑफ, बोलो, सेम टाइप, विच आर ऑफ, बोलो मेरे भाई, सेम टाइप, विच आर ऑफ सेम टाइप, एंड इधर लिख रहे हो एक्सप्रेस्ड इन, बोलो, एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सही है बच्चों? तो रेशियो इज अ, बोलो मेरे भाई, फ्रैक्शन यूज्ड फॉर, फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विच आर ऑफ सेम टाइप, विच आर ऑफ सेम टाइप, एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल, इफ विनोद्स वेट इज हाउ मच, बोलो, 90 किलोग्राम्स एंड अनंत वेट इज 60 किलोग्राम्स, देन वी कैन से दैट, वी कैन से दैट रेशियो ऑफ देयर वेट्स आर इज, बोलो, 90:60। वी कैन से दैट, यहां पर लिखो लगे तो, वी कैन से दैट रेशियो ऑफ वेट्स, रेशियो ऑफ वेट्स इज, हाँ बोलो बच्चो, 90:60। अच्छा, मैंने ऐसे 90:60 किलोग्राम ऐसे लिखा क्या? 90 किलोग्राम्स इज टू 60 किलोग्राम्स ऐसे लिखा क्या? नहीं। रेशियो के अंदर मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखा क्या? बट क्वांटिटी सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट के होना चाहिए, बट रेशियो के अंदर हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखते नहीं है।
समझा या नहीं? देन वी कैन से दैट, लिखा क्या आपने, रेशियो ऑफ वेट्स इज, क्या रेशियो है बोलो, 90:60। उसी पॉइंट में आगे कंटिन्यू किया है, वेट ऑफ विनोद एंड आनंद आर इन द रेशियो ऑफ 90:60 एंड 90:60 को ही हम क्या लिखते हैं बोलो, 3:2। तो 3:2 को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 90:60। 3:2 को क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 90:60। अच्छा 90:60 को मैं अगर 30:20 लिखता तो भी सही था ना बच्चों, क्या लिखता बोलो, 30:20 लिखता तो भी सही था ही ना। अच्छा इसको 300:200 लिखता तो भी सही था ही, बट इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, सिंपलेस्ट बोला मैं, कौन सा फॉर्म, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसका, 3:2। सिंपलेस्ट फॉर्म इज 3:2। समझा बच्चों क्या लिखा नीचे, अल्सो वी कैन राइट वेट्स ऑफ आनंद कॉमा विनोद आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। विनोद आनंद बोल रहा है यहां पहले और अब आनंद विनोद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आनंद विनोद। तो अल्सो वी कैन राइट दैट वेट्स ऑफ आनंद एंड विनोद आर इन द रेशियो ऑफ, क्या बोलो, 2:3। आनंद विनोद बोल रहा है, अभी उल्टा कर दिया ना यहां पर, Yes or no? क्या रेशियो में बोलो, 2:3। मेरा और ये लड़के का इनकम का रेशियो अगर 2:5 है, क्या है, 2:5, मेरा और ये लड़का इनकम का क्या रेशियो है, 2:5, तो वो लड़का और मैं का इनकम का रेशियो क्या होगा, 5:2। क्या होता है ये, 5:2, इसमें तो क्लैरिटी है। इसका मतलब उसका इनकम 5 और मेरा इनकम 2 है क्या, नहीं, इसका मतलब है उसका इनकम अगर 5x है तो मेरा इनकम 2x, उसका इनकम अगर 5m है तो मेरा इनकम 2m है, अगर उसका इनकम 5k है तो मेरा इनकम, वेर ये m, x, k, जो भी, इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी एनी नंबर, वो तो क्या है, वो तो डेटा पे डिपेंड करता है, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट। तो चलो अभी तक जो हमने सीखा उसमें रेशियो क्या होता है उतना बताओ, रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विच आर ऑफ सेम टाइप एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, समझा क्या। अल्सो वी कैन राइट दैट वेट ऑफ आनंद एंड विनोद इज इन द रेशो ऑफ 2:3, यस और नो। तो अगर मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं वो सही है क्या बताओ, ऑल द रेशियोज आर यूनिट फ्री, ऑल द रेशियोज आर यूनिट फ्री, सही है क्या बताओ मुझे। रेशियो के अंदर अगर समझो मैंने बोल दिया, समझो ये लड़का पूछ रहा है कि सर आपका आपका इनकम क्या है, क्या पूछा है लड़के ने, इनकम क्या है, मैं बोल रहा भाई मेरा इनकम 2 है, अब ये क्या पूछेगा, अगला क्वेश्चन बताओ, बोलो ना बोलो बिंदास बोलो, हाँ वो बोलेगा कि सर क्या बोल रहे हो सर, क्या 2 lakhs 2 crores, कुछ तो बोलो ना सर, ऐसे जवाब देते क्या, ये बोलेगा कि नहीं, आप बताए। इसका मतलब ये बोल रहा है कि सर यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बिना तो ये सेंटेंस का मतलब ही नहीं निकल रहा है, कुछ बोल रहा है कि नहीं। इसने पूछा सर आपका हाइट क्या है, मैं बोलता भाई मेरा हाइट 173 है, समझ रहा है क्या। तो क्या अगला क्वेश्चन क्या है, सर क्या 173 inches 173 centimeters 173 millimeters, कुछ तो बोलो सर, यस और नो, मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत है। समझो इसने बोला कि सर आपका और एक्स वाई जेड के इनकम का क्या रेशियो है, मैंने बोल दिया भाई मेरे और एक्स वाई जेड का इनकम का रेशियो 5:11 है, अब बताओ कोई क्वेश्चन नहीं आगे, रेशियो तो आंसर दे दिया ना मैंने, यस और नो, इनकम इनकम का रेशियो 5:11 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खत्म है इंफॉर्मेशन, यस और नो। उसके बाद में अगर मैंने बोल दिया कि भाई मेरा और एक्स वाई जेड का इनकम का रेशियो 5:11 है एंड मेरा इनकम 50 लाख है, मेरा इनकम 50 लाख है, तो मेरा इनकम 50 लाख है तो उसका 110 लाख होगा, क्योंकि 5:11 था ना। मेरा इनकम अगर 5 लाख है तो उसका इनकम 11 लाख है, मेरा इनकम 5 करोड़ है तो उसका 11 करोड़ है, ये बात की बात है ना मेरे भाई। बट मैंने कंपैरिजन तो 5:11 इतना बोल के क्लियर कर दिया ना, तो आप मुझे बताओ यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसमें से मुझे मेरा इनकम बताना है, उसका इनकम बताना है, मेरा एज बताना है, किसी का एज बताना है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए, बट रेशियो एक्सप्रेस करने के लिए, हाँ बोलो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। तो मेरा एक सेंटेंस है आगे भी आएगा, बट मुझे बताओ ये सही है क्या, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अग्री कर दो क्या आप, चलो यहां पे लिखो ये सेकंड पॉइंट में एंड में, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस। आपको थोड़ा एक मैं वापस बताया, आपको 2-3 लेक्चर लगेंगे कि अपन ये बुक कैसे बनाते हैं, क्या क्या लिखते हैं, कैसे ये सब समझने के लिए, तब तक आप पेशेंस रख सकते हैं ना, रख सकते कि नहीं, चलो लिखो यहां पे, रेशियो कहां लिख रहे समझ रहे हैं ना, ये सेकंड पॉइंट के एंड में लिखो, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस
विदाउट, आगे भी सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिखो विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आगे यही सेंटेंस वापस भी लिखेंगे यहां पर, अपन ये पूरा सेंटेंस लिख दिए, लिखे क्या बच्चों? Yes, समझा आपको ये, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगला पॉइंट वही है, क्या लिख रहा है थर्ड पॉइंट बोलो, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस लाइक, ओके ऐसे देना, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस लाइक लेट से 2:3, समझा क्या बच्चों? कॉमा 9:11, अच्छा ये 9:11 को 9/11 ऐसे भी लिखते पता है क्या आपको? यस और नो? 12:31, यस और नो? रेशियो कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस ऑल्सो, नीचे उसके लिखता हूं मैं, इट मींस रेशियोज आर यूनिट फ्री। क्या लिख रहा है इट मींस? बोलो मेरे भाई, रेशियोज आर यूनिट फ्री, समझ रहा है? कल जाके अभी आपको लग रहा है सर एमसीक्यू क्या सर, तो ऑल द रेशियोज आर यूनिट फ्री, ट्रू फॉल्स कांट से नन ऑफ दीज, आपको चूज करते आएगा ना करेक्ट आंसर, तो आप बताओ रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो ऑल द रेशियोज आर यूनिट फ्री। ऊपर वाला सेंटेंस आपने लिखा क्या है, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस लाइक 2:3, 9:11, 9/11, 12:31 या लेट से 5:7:9, समझो मैंने लिख दिया 5:7:9, क्या लिखा यहां पे? लेट से 5:7:9, तीन क्वांटिटी का भी रेशियो रह सकता है ना बच्चों, अब बताओ इसमें कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है क्या? नहीं, मैंने कुछ बोला क्या ये क्या है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, ग्राम्स है, लैक्स है, कुछ बोला क्या? स्टिल रेशियो तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया ना, तो रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस बोलो विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट मींस ऑल द रेशियोज आर यूनिट फ्री, रेशियोज आर यूनिट फ्री, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बोलो, द रेशियो 30:60 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, हाँ बोलो 1:2, आप एग्री करते हो क्या? इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सामने लिखो इन इट्स कौन सा फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1:2 है, कौन सा फॉर्म है 1:2? सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 30:60 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है बोलो? 1:2, 30:60 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1:2 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, समझा बच्चों? ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है बताओ, रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन इट्स कौन सा फॉर्म बोलो? सिंपलेस्ट फॉर्म, अभी अपन ने ऊपर लिखा था ये, रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन इट्स कौन सा फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, समझा बच्चों? यस, रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, जस्ट यहां पे उसके नीचे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप मुझे बता देना सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12:18 इज क्या रहेगा बताओ? 2:3, कैसे क्या किया बोलो? दोनों को 6 से डिवाइड किया, दोनों को, इसका मतलब ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कि सारे टर्म्स को अगर हमने 6 से डिवाइड किया तो रेशियो रिमेन्स सेम, सिर्फ उसका क्या चेंज होता है? फॉर्म क्या चेंज होता है? अच्छा 10:20 दोनों को तुम 10 से डिवाइड करो तो क्या बन जाता है? 1:2, तो 10:20 एंड 1:2 सेम है या अलग है? सेम है, सिर्फ अलग फॉर्म में लिखा है, अलग वो रेशियो वही है सिर्फ अलग फॉर्म में लिखा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस, तो a:b कैन ऑल्सो बी रिटन एज a/b, डू यू एग्री? कैन आई से कैन ऑल्सो बी रिटन एज am/bm, डू यू एग्री? कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हां बोलो, ak:bk, डू यू एग्री? कैन दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हां बोलो, ax:bx, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ay:y,
बी वाई. कैन आई से दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए बाय एक्स इज टू बी बाय एक्स. चलता है क्या बच्चों ऐसे? दोनों को एक्स से डिवाइड किया, यस और नो? तो आप मुझे बताओ ये सही लिख रहा हूं क्या मैं? ए इज टू बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हां बोलो, ए बाय एम डिवाइडेड बाय बी बाय एम. नहीं समझा आपको शायद? अरे मैंने दोनों को एम से मल्टीप्लाई कर दिया मेरे भाई, तो रेशियो तो सेम ही रहेगा ना. वन इज टू टू को मैं दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड उसको 100 इज टू 200 लिखा. आपको प्रॉब्लम है क्या कुछ? नहीं. 100 इज टू 200 इज एज गुड एज 1 इज टू 2. 2 इज टू 3 को मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इज टू 3 को मैंने लिखा 4 इज टू 6. तो 4 इज टू 6 एंड 2 इज टू 3 है तो एक ही ना बॉस? आप समझ रहे हो क्या? तो अगर मैं a by b को कभी a m divided by b m लिखा तो आपको प्रॉब्लम है क्या कुछ? अगर मैं 10 is to 20 को 100 is to 200 लिखा तो प्रॉब्लम है क्या कुछ? नहीं. तो क्या लिखा? ये पॉइंट समझा क्या? बताओ आप. हाँ क्या क्या लिखा है? हाँ बोलो. a is to b can also be written as. देखो बच्चों मैं वापस बता दूं, अपना लेक्चर का साइज 2 घंटे यहां पे भले लिखा है, अराउंड 1 hour 30 minutes टू 1 hour 45 minutes का लेक्चर होता है. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? 100% प्रोडक्टिव उतना लेक्चर होता है अपना. कितना? 1 hour 30 minutes टू 1 hour 40-45 minutes मैक्सिमम. ओके, इसी साइज के मैं आपके करीबन 120-125 लेक्चर तुम्हारे बैच में हो जाएंगे कंटिन्यूअस. समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो एक 200 आवर्स का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा जिसमें रेगुलर बैच प्लस 60 आवर्स क्या रहेगा? रिविजन रहेगा. प्लस 60 आवर्स का रिविजन रहेगा. इसमें तुम में से जो जिसको मैथ्स बहुत वीक जाता है ना बच्चों, वो भी पास हो जाएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जो बोल रहा है कि भाई मुझे मैथ्स आज तक कुछ आता ही नहीं, वो भी पास क्या? बहुत अच्छे नंबर लाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा. समझ रहा है क्या? बट आपको वहां तक कंटिन्यू करना रहता है. पहले 2 घंटे हो गए, अरे यार मुझे कैसे तो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे भाई? टाइम देना पड़ेगा ना बॉस, है कि नहीं? ये तो ऐसी बात हो गई ना, वो जो जिम में एक दिन जाता है और देखता है कि भाई बाइसेप कहाँ है, बराबर है कि नहीं? आज एक दिन है नहीं, बाइसेप कहां से आएगी भाई? आप समझे हुए नहीं? तो सीधी सी बात है, कुछ कंटिन्यू करोगे कुछ दिन वहां पे, है कि नहीं, तो थोड़ा बहुत कुछ लगेगा कि भाई हाँ बॉडी में चेंजेस आ रहे कुछ, बराबर है कि नहीं? नोटिसेबल हो जाएंगे कुछ दिनों में, कुछ दिनों में और बेटर होगा. सेम अप्लाइज टू एवरी सब्जेक्ट ऑल्सो. अपन कुछ एक दिन में कुछ होने नहीं वाला है जादू. आप समझ रहे हो क्या? तो यहां पे ना पूरा एनर्जी रखने का बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? जो भी है अपना जितने भी 4 lectures है, पूरा एनर्जी रखने का, 2 घंटे पढ़ने का, और बाद में जो करना है वो करो. समझ रहा है कि नहीं? इससे ज्यादा अच्छा क्या चाहिए जिंदगी भाई, कि अपने को सिर्फ क्लास करके 2 घंटा पढ़ना है. मैं एंड इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, वो है जो फालतू का जो अपन कुछ भी नहीं कर रहे, ना अपन पढ़ रहे, ना अपन सो रहे, ना एंजॉय कर रहे, ना कुछ कर रहे, वो टाइम कम करने का. समस्या में क्या बोल रहा हूं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के जेन जी का यह है कि उनका सबसे ज्यादा टाइम कुछ नहीं करने में जाता है. समस्या है कि नहीं? अपन पढ़ रहे क्या? नहीं. अपन सो रहे क्या? नहीं. अपन कुछ एंजॉयमेंट कर रहे क्या? नहीं. अपन कुछ हॉबी को कुछ कर रहे क्या? हॉबी के रिलेटेड कुछ कर रहे क्या जिसमें अपने को मजा आता है? नहीं. समस्या क्या? तो अपन क्या कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे. 5 बजे से 8 बजे बीच में 10 बार मोबाइल चेक किए, है कि नहीं? 8 बजे खाना वाना खाए, रात 10:30 बज गए, क्या किया बीच में? कुछ भी नहीं, है कि नहीं? एंड फिर बोलने को पढ़ाई को बहुत ही टेंशन है यार. अच्छा पढ़ाई का टेंशन क्या करके कम होगा? पढ़ाई करके कम होगा ना, बराबर है कि नहीं? मैंने कल भी बोला 350 रन निकालना है, तो कैसे टेंशन कम होगा? रन निकाल के ही कम होगा ना यार. उधर जाते ही 350. अच्छा बॉलर देखो प्लीज थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो, ज्यादा स्पिन मत कर, चलेगा? क्या करना पड़ेगा? रन निकालना पड़ेगा. 20 रन होंगे तो लगेगा हाँ भाई अब 330 ही बचे, और 30 निकालेंगे तो लगेगा हाँ भाई अब 300 ही बचे. धीरे 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 आएगा, आपको लगेगा भाई अब तो 30 रन बचे. करेक्ट और नॉट? रन निकाल के ही रन का प्रेशर कम होगा ना, तो पढ़ाई का प्रेशर कैसे कम होगा? पढ़ाई करके. सिंपल उपाय है कि नहीं? अपना लोगों का रहता है पढ़ाई का टेंशन कम कैसे करेंगे, ऐसा मोटिवेशनल लेक्चर से. कैसे होगा मोटिवेशनल लेक्चर से पढ़ाई का स्ट्रेस कम होगा? हाँ उस दिन लगेगा कि हाँ भाई मैं करूंगा, है कि नहीं? बट आगे मैं आपको कल भी बताया था, प्रिपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन. डिटर्मिनेशन, समझता है क्या, इज मोर इंपॉर्टेंट. सिंपल है, मैंने कभी एक एग्जाम्पल में भी बताया था एक जगह कि समझो लेट से मैं
लेट्स से इंडियन आर्मी में हूं मैं, सुन रहे हो क्या, मैं फुल्ली ट्रेंड हूं समझो, फुल्ली ट्रेंड, पिछले मान लो 2 साल से मेरा ट्रेनिंग चल रहा है एंड मैं इतना फिट सोल्जर हूं, समझ रहे क्या, सोल्जर मैंने इंडियन आर्मी का कोई ऑफिसर देख सकते हो ना आप, इमेजिन करो। एंड अब बताओ समझो वॉर फ्रंट पे, और समझो अपने को जाना है भाई 1000 फीट का इस पे हिल्स पे जाना है, वहां पे कुछ टेररिस्ट बैठे हैं उनको मार के आना है, समझ रहे क्या। अब हमारा समझो 12-15 लोगों का ग्रुप है जो इस मिशन पे काम करने वाले, तो हमारा प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, हम रेडी है पूरे मिशन के लिए, फिजिकली फिट है, हमको राइफल चलाना आता है, हमको रॉक क्लाइंबिंग आता है, सब आता है हमें, समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं। एंड फिर लास्ट समय पे क्या चाहिए, मोटिवेशन, कि भाई तुमको करना है, जान गई तो चलेगा बट देश को बचा के रहेंगे, अब मोटिवेटेड है वो जाके मिशन पे काम करेंगे, जीत के आएंगे, समझ रहा है क्या। बट आप मुझे बताओ वर्सेस समझो दूसरा आदमी, मेरे जैसा आदमी आपको दिख रहा है क्या, अनफिट आदमी है, समझ रहा है क्या, कभी एक्सरसाइज नहीं किया, भागा तो प्रॉब्लम है। आप बताओ उस आदमी को तुम कितना भी मोटिवेट करो, तुम बोलो कि भाई तुझे जाना है, देश का सवाल है, तुझे जाके मारना है उनको, कुछ भी हो जाए तिरंगे की शान बचाना है, बहुत मोटिवेटेड हूं मैं, बोल रहा हूं यस करना है मुझे, मारना है, क्या घंटा करोगे तुम, बराबर है कि नहीं, 50 कदम भागोगे उधर ही मर जाएंगे। अच्छा मोटिवेशन कम पड़ा क्या मुझे, बहुत मोटिवेटेड था भाई मैं, देश को बचाने निकला था, बहुत सुपर मोटिवेटेड था, क्या कम पड़ा, प्रिपरेशन, समझ रहे कि नहीं, प्रिपरेशन के बिना मोटिवेशन इज ऑफ नो यूज, समझ रहे कि नहीं। अपन बहुत मोटिवेटेड है, बहुत मोटिवेटेड मोटिवेट होके बुमराह नहीं मार सकता ना 200 रन, बराबर है कि नहीं, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, बट कब मार सकता है बुमराह 200 रन, अगर वो बैटिंग के लिए उतनी मेहनत करे तो, प्रिपरेशन हो तो, करेक्ट और नॉट। तो प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है देन मोटिवेशन, समझ में आ रहा है क्या। मोटिवेशन एक लास्ट पॉइंट होता है जहां पे भाई अपन ऑलरेडी पूरा प्रिपेयर्ड है, पूरा प्रिपेयर्ड है, सब कुछ पूरा प्रिपेयर्ड है अपन, बट लास्ट बस अभी जाने के लिए बस एक रहता है ना फिनिशिंग, समझ रहा है क्या, एक इंस्पिरेशन कि चलो भाई अब करना है, वो होता है मोटिवेशन, वो बिना प्रिपेयर। बट आजकल की दुनिया में ये जेन जी का प्रॉब्लम क्या है, रोज ही मोटिवेशन चाहिए, तो प्रिपरेशन के लिए टाइम कहां है भाई, बराबर है कि नहीं। रोज मोटिवेशन चाहिए कि हम कर सकते कर सकते, भाई करना चालू तो कर एक दिन, है कि नहीं, नहीं नहीं सर अपन मैथ्स में करना है करना है करना है, अरे भाई आज रेशियो तो चालू कर, समझ रहे कि नहीं। अब उसमें दूसरा कैटेगरी, आज 1-1.5 घंटा पढ़ाई करेगा और बोलेगा नहीं सर कुछ समझा नहीं, क्या पहले दिन अपन गली में खेल रहे टेनिस बॉल से, दूसरे दिन विराट कोहली टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे अपन गली में, वो भी गटर के बाजू में, बराबर है कि नहीं। दूसरे दिन डायरेक्ट वानखेड़े पे, कुछ जर्नी होगा कि नहीं, होगा या नहीं होगा, वो पार करना पड़ेगा ना वहां से, है या नहीं है। एंड एक दिन ब्रेक मिलेगा, कोई तो एक दिन ब्रेक मिलेगा, वहां से आपके चेंज हो जाएंगे तारीख सारी, जहां पे आपको लगेगा हाँ स्टूडेंट है स्टूडेंट है स्टूडेंट है, फाउंडेशन पास हो गया, इंटर पास हो गया, कर रहा है अच्छे से, आर्टिकलशिप कर रहा है, सीख रहा है, नई नई चीजें सीख रहा है, इक्विटी रिसर्च सीख रहा है, टैक्सेस सीख रहा है, जीएसटी कंसल्टेंसी सीख रहा है, समझ रहा है क्या, सीख रहा है, एक सीख रहा है सीख रहा है सीख रहा है, समझ रहा है क्या, सीए बन गया, नौकरी मिल गई 10-15 लाख पर एनम की, समझ रहा है क्या, एक ब्रेक मिल गया गया, समझ रहा है क्या, सीएफओ बन गया कंपनी का, समझ रहा है क्या, एक कंपनी का सीईओ है, पॉसिबल है कि नहीं। कोई भी किसी का भी करियर उठा के देखो, आपको एक स्टेप बाय स्टेप मिलेगा और लास्ट कोई तो एक आपको ऐसा ब्रेक देखेगा जहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगा। अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला पॉइंट सीए फाउंडेशन में रहेगा, इंटरमीडिएट में रहेगा, कहां रहेगा, कहीं तो आगे रहेगा ना ये पॉइंट, तो अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए, प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना उसके लिए। अंडर रेटेड है कि आज अपने को कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, कुछ नहीं है, करेक्ट है, बट धीरे 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 एक मार्क बनाना पड़ेगा ना अपने को, तो कुछ होगा ना बात भाई, है या नहीं। चलो फिर कंटिन्यू करें, ए इज टू बी कैन अल्सो बी रिटर्न एज, क्या था बोलो ये, ए इज टू बी कैन अल्सो बी रिटर्न एज, क्या था, इट कैन अल्सो बी रिटर्न एज ए बाय
वहां बोलो ए के इज टू बी के और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए वाई इज टू बी वाई. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज बोलो ए बाय एक्स इज टू बी बाय एक्स. बट इसमें एक पॉइंट है प्रोवाइडेड ये मैंने क्या किससे मल्टीप्लाई किया था पहले एम से या के से या एक्स से या वाई से ये टर्म जीरो नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए जीरो. एम कॉमा के कॉमा एक्स कॉमा वाई शुड नॉट बी जीरो. शुड नॉट बी बोलो जीरो. आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स. नहीं तो क्या होगा टू इज टू थ्री है. आप बोलोगे नहीं सर आपने ही बोला हमें कि दोनों टर्म को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया तो चलेगा हम दोनों को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू इज टू थ्री इज इट इक्वल टू जीरो इज टू जीरो. नो ये तो गलत हो गया ना बॉस. यस और नो राइट. ये जिससे भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो वो टर्म क्या नहीं होना चाहिए बोलो जीरो नहीं होना चाहिए. तो अगला सेंटेंस क्या लिखा है यही है कि चेक करो क्या बोल रहा है. ऑल द टर्म्स ऑफ द बोलो रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर. डू यू एग्री. तो एक्स इज टू वाई कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज हाँ बोलो थ्री एक्स इज टू थ्री वाई. तो क्या कर दिया मैंने दोनों को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया. कैन आई से दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज हाँ बोलो टेन एक्स इज टू टेन वाई. This can also be written as 10x is to 10y. This can also be written as x by 12 is to y by 12. चलता है क्या ऐसे बच्चों? क्या कर दिया मैंने दोनों को 12 से डिवाइड कर दिया. अच्छा दोनों में 3 3 ऐड किया तो चलता है क्या? x is to y is also equal to x plus 3 is to y plus 3. ऐसे चलता है क्या भाई? बिल्कुल नहीं चलता. अच्छा समझो मेरा और इसका एज का रेशो 2 is to 1 है. क्या है बोलो? तो 2 इज टू 1 दोनों में अगर अपन 3 ऐड किए तो इधर 2 में 3 ऐड किया 5 1 में 3 ऐड किया 4. कैन आई राइट इट एज सेम इज इक्वल टू 5 इज टू 4. तो 2 इज टू 1 इज इक्वल टू 5 इज टू 4 है क्या ऐसे? नहीं. तो क्या बोला मैंने दोनों में कुछ ऐड किया तो चलने वाला है क्या? नहीं. तो फिर तो रेशियो चेंज हो जाएगा ना बॉस. यस और नो. रेशियो चेंज होगा कि नहीं? तो आप बताओ ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी बोलो मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर. ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर एंड ऑब्वियसली दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज. और बताओ समझो मैंने एक्स डिवाइडेड बाय एम कर दिया डिवाइडेड बाय वाई डिवाइडेड बाय एम. ऐसे भी चलता है क्या बच्चों? x is to y दोनों टर्म को मैंने m से डिवाइड कर दिया बट प्रोवाइडेड यहां पे कंडीशन क्या है m शुड नॉट बी जीरो. m शुड नॉट बी जीरो. ऑब्वियसली दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज. समझ में आ रहा है आपको ये? दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज हाँ बोलो बच्चों. अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया एक्स एम इज टू वाई एम ये भी चलता है क्या बताओ? एक्स एम इज टू वाई एम लिखा तो चलेगा क्या बच्चों? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई फ्रेंड्स. तो ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर. ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर. याद रहेगा क्या बच्चों? चलो फिर अपन इस पेज पे अपन क्या क्या सीखे अभी तक जस्ट एक मिनट में बता दो. व्हाट इज रेशियो? इधर मेरे पास देख के बताओ व्हाट इज रेशियो. रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज व्हिच आर ऑफ सेम टाइप एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट करेक्ट है. रेशियो इज जनरली रिटन इन इट्स simplest form. Very good. Ratio is generally written in its simplest form. All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number without changing the meaning of that ratio. मतलब 50 is to 70 can also be written as 5 is to 7. मैंने दोनों को 10 से divide कर दिया. 50 is to 70 can also be written as 500 is to 700. Right? तो ये ratio तो same ही रहेगा ना बच्चों. Even though I have written in a different form, but the ratio remains same. तो all the terms of the ratio, बोलो, all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number without changing the meaning of that ratio. And आपने अपन
अपन ने यहां पे इस पेज पे और एक पढ़ा था, वो था ऑल द रेशियोज आर यूनिट फ्री, ऑल द रेशियोज आर यूनिट फ्री, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस, बोलो, विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ओके, नेक्स्ट, इन द रेशियो, 8 पॉइंट पे आओ, इन द रेशियो एक्स इज टू वाई, एक्स इज टू वाई एक रेशियो है क्या बच्चों? अच्छा बताओ, इसमें एक्स क्या है? फर्स्ट टर्म. वाई क्या है? तो फर्स्ट टर्म कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एंटीसीडेंट. फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट. लिख रहे हो क्या फिर आप ये? आपको देखो बच्चों, आपको ये मैथ्स में इतना मजा आएगा और ये बुक के साथ में इतना मजा आएगा आपको कि बस, समझ रहे हैं क्या? हर चीज आपके सामने रहेगी, क्या मिस हुआ है वो समझेगा, है या नहीं है? जनरली नोटबुक बनाते तो अपने को क्या, अपने को ट्रैक ही नहीं रहता ना कुछ, कहां तक आया है अपन, क्या मिस किए क्या, यहां पे क्लियरली समझेगा ना अपने को, है या नहीं, क्या अपना मिस हो गया, क्या लिखना बाकी है, सब कुछ क्लियर रहेगा, राइट. एंड ये जो मैं नोट्स यहां पे बनाता हूं, राइट, इसका भी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दे देता हूं बाद में टेलीग्राम पे, समझ में आ रहा है क्या? तो बाय चांस अपना कुछ एक आधा पेज लिखना बाकी है, एक आधा पॉइंट रह गया या एक आधा चीज वापस पढ़ना है, वो भी तो मिलेगा ना आपको वापस, है कि नहीं? मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका नोटबुक, आपका ये जो बुक है, इसको वर्क बुक बोल सकते हैं अपन, बहुत अच्छे से बनाए. यानी ये क्या एक दो पेज का है यार, हजार पेज का है, अपन देखो एक घंटे से एक पेज पे लगे हुए है या नहीं है. एंड आगे अभी और कंसेप्ट आएंगे, नई नई चीजें आएंगे, जितना अपन बेसिक क्लियर करके जाएंगे, कुछ लोगों को लगेगा आप में से, अरे यार क्या बेसिक पढ़ा रहा है, घंटे से मैं ऑलरेडी जानता हूं. तो आप बताइए, पूरा सिलेबस जानते हो क्या? नहीं है तो आपको, और मैं यहां पे एक बच्चे को पढ़ा रहा हूं क्या? आप में से कई यहां पे कितने लोग अलग अलग बैकग्राउंड के, समझता है क्या? कोई रीजनल मीडियम में पढ़ के आया, कोई कॉन्वेंट से पढ़ के आया, कोई कैसे है, किसी को 60% मार्क्स है, किसी को 90 है. तो मैं वो बच्चे के एंगल से पढ़ा रहा हूं जो एक एवरेज कैटेगरी का बनता है. मैं इंटेलिजेंट के एंगल से नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, समझ रहा है कि नहीं? मैं इंटेलिजेंट के एंगल से पढ़ाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप समझ रहे हो क्या? फिर आप में से कुछ जो इंटेलिजेंट है वो बोलेंगे कि नहीं सर, फिर हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया, फिर तुम इंटेलिजेंट हो ही नहीं, समझ रहे हैं? क्योंकि तुम इंटेलिजेंट होते तो ये समझ में आ जाता तुमको, बराबर है कि नहीं? तुम अगर सच्ची में इंटेलिजेंट होते तो कोई भी टीचर ने किस एंगल से पढ़ाना चाहिए ये तुमको समझ में आ जाता. तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस होगा. एंड सीधी सी बात है, ये इसमें दुनिया सब मानती है. आप मुझे बताओ, ये सीए पास होने के लिए, कोई भी एग्जाम पास होने के लिए दो चीजें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. कौन सा? आपका आंसर एक तो एक्यूरेट चाहिए. क्या चाहिए? एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है. एंड साथ साथ में दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? स्पीड. ये सिर्फ एक्यूरेसी काम का है क्या? मैं 100 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व करके आया, चलेगा क्या? 80 क्वेश्चन नहीं, नहीं यार टाइम भी नहीं मिला ना, नहीं चलने वाला. अच्छा, सिर्फ स्पीड चलेगा क्या? मैं स्पीड में 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आया 10 मिनट में, उसमें से 90 गलत थे, वो बात अलग है, स्पीड नहीं चलेगा. तो दो चीजें चाहिए, कौन सी? एक्यूरेसी एंड स्पीड. एक्यूरेसी कैसे आएगा? आपका कंसेप्ट क्लियर करने से. कैसे आएगा? कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि अपन जो क्वेश्चन यहां पे पढ़ते सेम एज इट इज नंबर से नहीं आने वाला है, कुछ नंबर बदल के आएगा. अभी 12th स्टैंडर्ड तक जो था कि भाई एग्जाम का इधर का ही क्वेश्चन उठा के एग्जाम में आता है, वो तो नहीं है ना अभी यहां पे यार, सीए में कहीं पे भी नहीं होगा ये. आर यू गेटिंग दिस? तो एक्यूरेसी के लिए कहां से आएगी एक्यूरेसी? कंसेप्ट क्लियर होने से. कैसे? बट कंसेप्ट क्लियर है इसलिए स्पीड नहीं आएगा, समझता है क्या? स्पीड आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से. मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, स्पीड कैसे आएगा? अच्छा, किसी का बैट, मैं कल बता रहा था कि विराट कोहली बैटिंग बहुत अच्छा करता है, वो उसका क्लियर है सब कुछ, कौन से बॉल को कैसे हेड पोजीशन होना चाहिए, बैट का पोजीशन क्या होना चाहिए, क्या स्विंग होना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, सब आता है उसको, सिर्फ स्पीड नहीं है. सिर्फ ये पैवेलियन में आने के बाद में समझता है कि अरे यार ये यहां पे बॉल आ रहा था, ऐसे खेलना चाहिए था. तो आप बताओ, वो रिफ्लेक्स क्रिएट होने के लिए, ऐसा बॉल आ रहा है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये शॉट खेलना है मुझे, आप बताओ वो रिफ्लेक्स क्रिएट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए 5-5, 6-6 घंटा नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है रोज, हर सीरीज के पहले, समझ आए कि नहीं? तो वो क्रिएट होता है. फिर आप बताओ, विराट कोहली को कोई शॉट खेलने नहीं आता, ऐसा कुछ है क्या? बट ऑन दैट डे एग्जैक्टली वो कौन सा बॉल आने वाला है पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, उस समय पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो शॉट खेलने के लिए रेडी रहने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि नहीं? सेम अप्लाइज टू स्टडीज ऑल्सो माई फ्रेंड्स. अगर आप बोलोगे नहीं सर मुझे समझा है, मुझे समझने के बाद में भी मैं 10 क्वेश्चन ले रहा हूं, उसका रीजन क्या है? फिर आप बोलोगे सर हमको ऑलरेडी समझा है, 10 क्वेश्चन क्यों ले रहे हो, टाइम पास है ये, तो क्यों ले रहा हो बताओ? प्रैक्टिस, इससे तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा ना बॉस, इससे तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, धीरे धीरे कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा, कैलकुलेटर यूज करने का स्पीड बढ़ेगा, सब कुछ होगा.
समझ में आ रहा है क्या? कोई भी पुराने बैच के बच्चे देखो, वो बोलेंगे नहीं भाई, पहले दिन के बाद में अपना ड्राइव और आज का अपना कैलकुलेटर चलाने का स्पीड में जमीन आसमान का डिफरेंस है, राइट? वो फॉर्मूले कैसे है, वो यूज करने में, राइट, जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि स्पीड इज इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है क्या आपको ये? चलो, इन द रेशियो एक्स इज टू वाई, एक्स क्या है बोलो? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीसीडेंट। एंड वाई इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज, बोलो, एंटीसीडेंट। सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। चलो यहां पे एक लिख रहा हूं, इन द रेशियो, इन द रेशियो लेट से 9:8, इन द रेशियो बोलो 9:8। हम चलो बोलो, 9 क्या है, 8 क्या है, बोलो। 9 इज द एंटीसीडेंट, लिखो 9 इज द एंटीसीडेंट एंड 8 इज द कॉन्सिक्वेंट। याद रहेगा बच्चों, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। समझ में आ रहा है आपको ये? ओके, देन इन द रेशियो ए इज टू बी, इन द रेशियो ए इज टू बी इफ, इन द रेशियो ए इज टू बी। तो अब मुझे बताओ, ए इज टू बी में एंटीसीडेंट क्या है बच्चों? ए। कॉन्सिक्वेंट क्या है? बी। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट। एग्जाम्पल बता सकते हो, 9:7, लेट से 11:3, लेट से 101:89, कुछ भी लिखो ऐसे। समझ रहा है कि आपको ये? जहां पे एंटीसीडेंट जो है वो कॉन्सिक्वेंट से बड़ा नंबर है, लेट से 35:34, यस और नो? लेट से 39:21। टेल मी माय फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम्पल में वेदर एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, वेदर एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, तो इस टाइप के रेशियो को बोला जाता है, देन रेशियो इज नोन एज रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। उस रेशियो को क्या बोला जाता है? हां बोलो, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। तो आप बताओ बच्चों, व्हेन अ रेशियो इज सेड टू बी रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, बोलो, आंसर दो। When antecedent is greater than consequent, it is said to be a ratio of greater inequality. समझता है क्या आपको ये? Next, when antecedent is less than consequent, for example, let's say 5:11, 35:38, 41:43, 93:523, 581:1000, जो भी कुछ है, ऐसे तो करोड़ एग्जांपल दे सकते हैं ना यहां पे हम लोग, करेक्ट है? बट इन सब में क्या चीज दिख रही है आपको, बोलो? एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट। तो इन द रेशियो ए इज टू बी, व्हेन ए इज लेस देन बी, दैट मींस एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट, तो उस टाइप के रेशियो को बोला जाता है रेशियो ऑफ, आप ही बता दो आंसर क्या रहेगा, लेसर इनइक्वालिटी। बहुत सिंपल, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। मैं वापस बता दूं बच्चों, पहला लेक्चर है ये, आप ध्यान दो, जितना एक दिन में पढ़ाया जाता है ना बच्चों, उसको रिवाइज करने के लिए 15 मिनट लगते घर जाके, बट उसी दिन अगर आपने रिवाइज कर दिया ना, तो उसका इंपैक्ट अलग ही रहता है। आप समझ रहे हो क्या? उसके बाद में भी आपको लगता है कि अच्छा, सुनो बच्चों, एक जस्ट एक प्रैक्टिकल सिनेरियो समझो, ये दो बच्चे, सुन रहे हो क्या, ये दो बच्चे, ये पहला वाला बच्चा जो है ना, जो भी पढ़ता है क्लास में आज मार्च, 15-20 मिनट आधा घंटा घर जाके पढ़ता है, रिवीजन करता है, सुन रहे हो क्या, रोज है उसका प्रोग्राम, रोज का फिक्स है ये। एंड दूसरा वाला बच्चा है जो कभी रिवाइज नहीं करता, घर जाके कभी देखा ही नहीं, समझा क्या? चलो, ये रोज ऐसे ही कर रहा है, 4 महीने तक 5 महीने तक चल रहा है, एंड दूसरा कभी पढ़ता ही नहीं, ठीक है बच्चों? अब समझो 5 महीने के बाद सिचुएशन ऐसा है कि ये पहले वाले बच्चों को बोल रहे हैं कि भाई तुझे सब याद आ रहा है क्या? वो बोल रहा है कुछ भी याद नहीं आ रहा है, पहला वाला भी बच्चा बोल रहा है, दूसरा वाला भी बोल रहा है अरे यार बहुत टेंशन आ रहा है, दोनों को टेंशन आ रहा है। अब आपको लगेगा सर इतना है, इतना पढ़ के ऐसे क्या उसने कर लिया, फिर दोनों तो सेम है 5 महीने के बाद, दोनों बोल रहे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा एक्चुअल में होगा,
समझ रहे क्या? फाउंडेशन में जो होगा, इंटर में भी होगा। ऐसे बोलते कि भाई जो रोज क्लास करता है, रोज क्लास को आता है, रोज पढ़ रहा है, वो भी एक सिचुएशन पे आता है, बोलता है कुछ याद नहीं आ रहा है भाई। दूसरा भी बोल रहा है कुछ याद नहीं आ रहा है, तो क्या फायदा हुआ पहले का पढ़ के? अब वो जो पहला वाला जो था ना बच्चों, रोज रिवाइज करता था, उसको कुछ याद नहीं आ रहा है, बट उसको अगर दो दिन दिया ना सब याद आएगा। नहीं समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? उसको कितने दिन दिए? दो दिन। उसको बोला भाई तेरे पास दो दिन है, एग्जाम आज नहीं है परसों है, वहां पढ़ चालू कर। वो पढ़ना चालू करेगा, हाँ वो बोलेगा हाँ याद आ रहा है भाई, याद आ रहा है, हाँ हो गया हो गया हो गया, पढ़ लिया उसने दो दिन में सब सब याद आ रहा है। अभी आप बताओ दूसरे बच्चे के लिए ऐसा होगा क्या? वो पहले पेज पे देखेगा, उसको कुछ सुधरेगा नहीं, वो बोलेगा क्या भाई कहाँ है क्या है, उधर ही बैठा है वो पहले दूसरे पेज पे। आप बताओ ऐसे दोनों का सिचुएशन सेम था ना? सीए फाइनल में, लेट से डायरेक्ट टैक्स का बुक है, ओके 1500 पेज का बुक है, सुन रहे हो क्या? एक एक सेक्शन, सब सेक्शन, एक्सप्लेनेशन सब पढ़े आप, 3-4 महीने पढ़े, 300 घंटे तो क्लास किए, समझ रहे हैं कि आपको ये? एंड समझो किसी को बोल रहा हूं, भाई किसी को बोल रहा हूं भाई तुझे डायरेक्ट टैक्स याद है क्या सब कुछ, 1500 पेज समझता है क्या आपको ये? वो बोलेगा कुछ याद नहीं आ रहा यार, बहुत सिंसियरली क्लास किया यार, साथ साथ में पढ़ाई किया यार, कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या फायदा हुआ क्लास करके? क्या फायदा हुआ रोज पढ़ के? हुआ या नहीं हुआ बताओ, हुआ या नहीं हुआ बोलो। अरे भाई उसको अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, बट राइट वो अगर उसको एक या दो दिन दिए ना बच्चों सब याद आएगा उसको। आपने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा ये 12th स्टैंडर्ड में, इसके पहले अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है, भले आपको लगेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि यार मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बट आप पढ़ाई चालू की आपको लगेगा हाँ भाई बहुत ईजी है, बट आपने पढ़ाई की है तो ही वो ईजी होगा ना उस दिन पे, अदरवाइज नहीं होगा ना वो, समझ रहा है? तो ये मत समझो कि रोज पढ़ने से राइट कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, या बाद में वैसे भी लास्ट में याद नहीं आने वाला है, याद तो वैसे भी नहीं आने वाला है, सच है ये, मैं गलत है नहीं बोल रहा हूं, याद नहीं आएगा, रोज पढ़ने वाले को भी याद नहीं आएगा, बट उसको एक दिन दिया, दो दिन दिया, डेढ़ दिन दिया, उसको सब याद आएगा, समझ रहे क्या? लास्ट बैच के पहले, एग्जाम के पहले मैंने शाम को 6 बजे से लेके रात को 3-3:30 बजे तक रिवीजन लिया था, रात को 3:30 बजे तक यूट्यूब पे रिवीजन लिया था, उसमें बच्चे बोले कि सर सब याद आ गया, भले वो एग्जाम के उस दिन थोड़ा लग रहा था 6 बजे कि भाई याद आएगा नहीं आएगा, राइट सब याद आएगा सर। एंड देखो मार्क्स देखो, अगर लास्ट बैच के बच्चों को 90+ वाले कितने बच्चों ने मुझे मैसेज किया भर भर के, याद नहीं राइट, टेलीग्राम भर गया उस दिन पूरा, 80 मार्क्स 85 मार्क्स 87 मार्क्स 89 मार्क्स 93 मार्क्स 90, कोई गिनती नहीं है इतने रिजल्ट है लास्ट टाइम के, तुम खुद चेक करो लगे तो। मैं अननेसरी आपको लगता है कि कुछ मार्केटिंग कर रहा हूं, आप खुद चेक करो मेरे भाई, अपने सीनियर से ज्यादा स्टंट करना मुझे पसंद भी नहीं है, आप खुद चेक कर लेना, समझ रहे क्या? बट पढ़ाई करने से कुछ रिजल्ट आएगा ना मेरे भाई, रोज उठ के वो मैं कब बोलूंगा क्या करूंगा, कुछ कुछ लोग तो बोलते हैं भाई सर सीए को कितना स्कोप है, अब तुमने डिजायर कर लिया ना एक बार करने का, अब बस करो रोज उठ के, है कि नहीं? सर सीए के बाद में क्या करना बेटर रहेगा, भाई फाउंडेशन पास हो जा पहले, है कि नहीं? वो नहीं कर सकते मेरे भाई रोज। अपन मैं कल भी बोला था ना आपको कि भाई अपन हमेशा एक पैर पास पे रखते और दूसरा फ्यूचर पे रखते, है कि नहीं? या मैं बता रहा आपको एक, हमेशा कुछ कुछ लोगों की वो जिंदगी वैसी रहती है, हमेशा सोचते पास्ट की, क्या सोचते हैं? पास्ट, ऐसा था, ये बेटर था, क्या दिन थे, एंड दूसरा क्या सोचते हैं? हमेशा फ्यूचर की, है कि नहीं? और ऐसा होगा वैसा होगा। तुम आज सिर्फ इतना करो कि भाई आज सर ने अपने को क्या सिखाया, रेशो, लॉ में इतना क्या सिखाया, हाँ इतना, अकाउंट्स में क्या सिखाया, हाँ उतना, उतना कर लेता हूं मैं, 2 घंटे पढ़ लेता हूं घर जाके, राइट बस। अभी शुरुआत शुरुआत में तो आपको लगेगा कि भाई 2 घंटे क्या पढ़ू सर, इतना तो पढ़ाया भी नहीं आपने अभी तक, तो भी पढ़ने का, समझता है क्या आपको ये? तो भी पढ़ने का, वो आदत रखने का, आदत वो कंटिन्यू रहना चाहिए, समझता है क्या आपने को? 2 घंटे रोज अपने को पढ़ना है। आपको बाकी टीचर कोई बोले क्या अभी से 15 घंटे पढ़ो करके? बोले क्या कोई भाई रोज 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा आज से ही करके? क्या बोले रहेंगे? उतना ही बोले रहेंगे ना कि भाई क्लास करो सारे एंड उतना एक मिनिमम 2 घंटे पढ़ लो, कर लो इतना। मैं देखो कंसिस्टेंसी के क्या रिजल्ट आएंगे, यू विल नॉट बिलीव कि तुम कितने होशियार हो, यू विल नॉट बिलीव कि तुम्हें क्या कॉम्पिटेंस है। तुम्हें कुछ लोगों को रहेगा ना कि नहीं सर मेरा निगेटिव माइंड सेट है, मेरे से तो कुछ होगा नहीं। आप एक कंसिस्टेंसी रख के तो देखो जिंदगी में, चलो मैं बोल रहा हूं कोई बोल रहा है, इसलिए एक बार करके देखो सारे क्लास अटेंड करने का, 2 घंटे पढ़ने का, देखो दुनिया अलग लगने लग जाएगी। 1 महीने भर में आपको लगेगा भाई कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी टफ नहीं है, आपको लगेगा, आपको लगेगा कि भाई रोज जाके, अरे हम लोग यार यहां पे पूरा मतलब वो जो जो भी कुछ है पूरा खाना बना के आपके मुंह तक डाल रहे भाई, थोड़ा अंदर भी डाल देते उसमें,
कभी कभी थोड़ा चबा के भी दे दे, उसको लिटिल सेंस में मत लेना, बट समझ रहा है कि आपको ये आपका काम है, बस थोड़ा बहुत कुछ ये करके घिटकना उसको, समझ रहे, उतना तो कर ही लोगे ना यार, उतनी आदत रखो पहले से। हम लोग यहां पे सब कुछ मैक्सिमम चीजें यहां पे कंप्लीट करके देंगे, बट कुछ चीजें आपको एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा ना लास्ट में, क्या वही देना बाकी है एग्जाम की? कोई कोचिंग सेंटर बोल रहा है कि एग्जाम ही हम ही देंगे, ऐसा तो नहीं हो ना भाई, तुम्हें उतना तो करना पड़ेगा कि नहीं? चलो, व्हेन अ रेशियो इज सेड टू बी रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, आंसर दो, व्हेन एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, व्हेन एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट इट इज सेड टू बी अ रेशियो ऑफ lesser inequality, and when antecedent is equal to consequent it is said to be a ratio of equality, it is said to be a ratio of equality. Kya batao ratio of equality ka example? 8 is to 8, ha theek hai, 5 is to 5, 19 is to 19, 1 is to 1, 38 is to 38, aur uske niche maine ek sentence liya hai, dikh raha hai kya aapko? क्या लिखा है बोलो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इक्वालिटी इज ऑलवेज, आंसर दो, 1:1, भले 38:38 बोला वो है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है वो बोलो, 1:1, 20:20 बोला है क्या वो, 1:1, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इक्वालिटी इज ऑलवेज 1:1, समझा क्या बच्चों, यस और नो? तो आप मुझे बताओ, व्हेन अ रेशियो इज सेड टू बी रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, फटाफट आंसर दो, व्हेन एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट इट इज सेड टू बी अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, व्हेन एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट इट इज सेड टू बी अ रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, व्हेन एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट इट इज अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी, इट इज अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी। चलो अगले पेज पे जाओ, क्या बोल रहा है ये, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ क्वांटिटीज, फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ क्वांटिटीज, ध्यान दे रहे हो बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म, यहां तक आए क्या आप लोग, यहां तक आए क्या, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके, क्या क्वांटिटी है पहला बोलो, 3 hours 5 minutes 8 seconds, एंड अगला क्या है बोलो, 8 hours 10 minutes 40 seconds, तो अच्छा बताओ ये एक पहला क्वांटिटी है, टाइम है, और अगला एक टाइम है, ये दो क्वांटिटी ऐसे लग रहा है कि आपको, पहला क्या है 3 hours 5 minutes 8 seconds, ये एक है, समझाया नहीं, एंड दूसरा क्या है बोलो, 8 hours 10 minutes 40 seconds, तो आप बताओ बच्चों ये आर्स मिनट्स बहुत कुछ आ चुका है यहां पे, तो अपने को दोनों क्वांटिटीज पहले एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे लाना पड़ेगा कि नहीं, तो आप बताओ पहला जो है क्या है बताओ, 3 hours, हां बोलो, 5 minutes 8 seconds, एंड अगला क्या है बताओ, सेकंड क्वांटिटी बताओ ना क्या है, 8 hours 10 minutes 40 seconds, डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? आप बताओ 3 hours मतलब, आप बताओ बच्चों 3 into 60 इतने मिनट्स हो गए, 180 मिनट्स हो गए, तो 180 मिनट्स को इंटू 60 करता हूं तो इतने सेकंड्स हो गए, नहीं समझा आपको ये 3 hours के सेकंड हो गए कि नहीं बताओ आप, सही है, 3 hours मतलब कितने मिनट्स, 3 into 60 180 minutes मतलब कितने seconds, 180 into 60 प्लस आगे 5 मिनट है, और 5 मिनट मतलब कितने सेकंड, 5 into 60 इतने सेकंड, यस और नो, प्लस 8 seconds, तो 8 seconds में ही है, तो क्या कर रहा हूं मैं आप बताओ, सब कुछ मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, सब कुछ मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, अब बताओ डिवाइडेड बाय अगला वाला क्वांटिटी बताओ, हाँ चलो बोलो, 8 into 60 प्लस, हां बोलो, 10 into 60 plus 40, डू यू एग्री? हाँ चलो आप करो कैलसी पे, 3 into 60 into 60 10,800 आता है क्या वो, 10,800 आता है क्या वो, 10,800 हां प्लस बताओ क्या है, 300 plus 8, ये जो भी आया क्या ना, ऐसे दिस इज सेकंड्स माय फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय क्या है बताओ, 8 into 60 into 60 कितना था ये, 28,800 plus 600 plus 40, ये जो भी है इज इट इन सेकंड्स माय फ्रेंड्स, तो आप बताओ इज इट 28,800 plus 600 plus 40, टेल मी वेदर दिस इज 29,440 seconds, एंड ऊपर क्या है बोलो, 10,800 plus 308, टेल मी इज इट 11,000 108
8. डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? ये सेकंड्स में आंसर है क्या मेरे भाई? यस और नो? आप बताइए, जो आंसर है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है या उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? एक काम करो, सबसे पहले तो दोनों को 4 से डिवाइड करो। हाँ करो, 11,108 डिवाइडेड बाय 4 कितना था ये? 2,777 डिवाइडेड बाय 29,440 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर दो, 7,360। और इसको कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या बताओ? नहीं होता है, तो दिस इटसेल्फ इज आंसर। समझा क्या बच्चों? ये टफ था ये बच्चों। तो आप बताओ, जो भी कोई दो क्वांटिटीज दिए थे, वेदर आई हैव रिटन इट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या फाइनल आंसर है इसका बताओ? फाइनल आंसर क्या है इसका? बोलो बोलो, 2,777 इज टू 7,360 इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। 2,777 इज टू 7,360 यस और नो? समझा बच्चों ये? तो वेदर आंसर इज 2,777 इज टू 7,360 यस और नो? कितने लोगों को समझाए? समझाए बच्चों पक्का ये? यस। अच्छा, अगला सेंटेंस आप बताइए, रिपीट है क्या? ये पहले ही पढ़ा है क्या हमने? क्या बोल रहा है ये? बोलो, रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेशोज आर यूनिट फ्री। तो आप बताओ, जो मैंने फाइनल आंसर लिखा उसमें कुछ मैंने सेकंड सॉल्यूशन लिखा क्या? कुछ नहीं। जो आंसर था इट वॉज यूनिट फ्री, इट वॉज यूनिट फ्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई फ्रेंड्स? तो आंसर वॉज 2,777 इज टू 7,360, 2,777 इज टू 7,360। तो रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन, यस और नो? ओके, 12th पॉइंट देखो, मैंने कुछ दो क्वांटिटीज दिए बच्चों, एंड मुझे चाहिए वो दो क्वांटिटी का रेशो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। चलेगा क्या बच्चों? थोड़ा चेहरे पे अच्छा रिएक्शन ला सकते हैं कुछ तो? ऐसे इतना कुछ ऐसे तुम पे जुर्म हो रहा है क्या कुछ? हाँ भाई, प्रॉब्लम है आपको ऐसे मतलब कुछ? एंड देखो, मेरा पहला लेक्चर है मैथ्स में, थोड़ा बहुत रह सकते, बाकी टीचर थोड़ा और आपको थोड़ा फन लवेंगे, थोड़ा मजे करेंगे आपके साथ, है कि नहीं? मैथ्स का टीचर मेरे, आपको मेरा पर्सनालिटी देख देख के आपको लगता है क्या कि आप मेरे साथ कुछ ऐसा बहुत ऐसा क्या बोलते हैं, फ्रेंडली वगैरह? ऐसे फ्रेंडली ये कंसेप्ट से मुझे थोड़ा सा लिटिल बिट प्रॉब्लम है कि नहीं? क्योंकि वो फ्रेंडली जो है ना, वो वहाँ पे रुकता नहीं, फिर वो समझता है कि उसको कैजुअल एटीट्यूड में कन्वर्ट होता है, जो मुझे करता ही नहीं चाहिए। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? बट आजकल के क्या हो गया, फ्रेंडली टीचर के नाम पे मैं अपना इनकॉम्पिटेंस कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। समझ रहा है क्या? वो जो भी है, मैं आपको बेस्ट सर्विस दूंगा यहाँ पे। समझ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स? आपके लिए जो बेस्ट है वो मैं करूँगा यहाँ पे। समझ रहा है क्या? तुमको खुश करने की कोशिश नहीं करूँगा। समझ रहा है क्या? तुम मुझे खुश नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें बेस्ट मार्क्स चाहिए। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? चलो, दो क्वांटिटीज मैंने बताया, 5 आवर्स एंड दूसरा है 5 मिनट्स, एंड उसका रेशियो चाहिए मुझे इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप बताओ, या तो आपको आर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मिनट को आवर्स में, कुछ भी चलेगा। आप बताओ क्या बेटर है? आवर्स को मिनट्स में। तो बताओ, 5 आवर्स मतलब कितने मिनट्स हो गए बच्चों? 5 × 60 300 मिनट्स हो गए कि नहीं? एंड यस और नो? तो आप बताओ, ये 300 मिनट्स है डिवाइडेड बाय 5 क्या है बोलो? मिनट्स है। तो आप बताओ, दोनों क्वांटिटीज मिनट्स में आए क्या? यस और नो? तो आप बताओ, ये 5 5 तो कैंसिल ही हुआ, क्या आंसर है बोलो? 60:1। बट जब मैं 60:1 लिखा, वहां पे मैं कोई मिनट सेकंड्स नहीं लिखा। समझ रहा है कि आपको? ये जो फाइनल रेशियो है वो दैट इज यूनिट फ्री, दैट इज यूनिट फ्री। पहले तो मैंने दोनों क्वांटिटीज को सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लाया, यस और नो? आप लोग करेगा कि सर आपको, आप मिनट्स में आर्स में कैसे, मिनट्स को आर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते? कर सकते। 5 मिनट्स मतलब 5/60 आर्स,
नहीं समझा आपको, 5 मिनट्स मतलब 5/60 आवर्स, नहीं समझता आपको ये? अरे मेरे भाई, आवर्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते, इनटू 60 करके, तो मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 60 करके। अच्छा बताओ, 2 आवर्स मतलब कितने मिनट्स, 120, 120 मिनट मतलब कितने आवर्स, 120/60, यस और नो? एक सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मिलीमीटर, 10, तो 5 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मिलीमीटर्स, 50, तो 50 मिलीमीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, डिवाइड बाय 10। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में लाने के लिए आपने इनटू 10 किया, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10। अच्छा, 5 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स, 5000, 5 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स, 5000, तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो 5000 मीटर्स इज हाउ मेनी किलोमीटर्स, 5/1000, यस और नो? तो आप बताओ, 5 आवर्स मतलब, 5 आवर्स मतलब कितने मिनट्स, 5 × 60, तो 5 × 60 का जो भी आंसर है उसको 60 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, वापस मिनट्स में आएगा, यस और नो? तो क्या आंसर है इसका, बोलो फाइनल, 60:1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्या बोल रहा है ये, 5 आवर्स 10 मिनट्स। अच्छा सुनो बच्चों, अभी मैं सही कर रहा हूं कि आप चेक करो, 5 आवर्स 10 मिनट्स मतलब 5 × 60 मिनट्स में आ गया प्लस 10, क्योंकि 5 आवर्स एंड 10 मिनट्स है वो, डिवाइडेड बाय, हां बोलो, 10 आवर्स, 10 आवर्स मतलब कितने मिनट्स, 10 × 60 + 15, डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? तो आप बताओ, यहां पे न्यूमरेटर 310 है क्या, डिनोमिनेटर 615 है क्या, टेल मी वेदर दिस इज द रेशियो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, नो, दिस इज द आंसर बट नॉट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, नॉट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो दोनों को 5 से डिवाइड करते, तो 310 डिवाइड बाय 5 कितना आता है, 62। 615 को भी 5 से डिवाइड करो, 615 डिवाइड बाय 5 कितना आता है, 123। ये और सिंप्लीफाई होता है क्या बताओ, मतलब कोई 2 से डिविजिबल है क्या, दोनों 3 से डिविजिबल है क्या, 7 से है क्या, और कुछ होता है क्या, ये आपको लगता है नहीं सर, काम करो दोनों को 7 से डिवाइड कर दो, तो फिर आंसर फ्रैक्शन में चला जाएगा ना बच्चों, वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा ना, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, होल नंबर्स के फॉर्म में होता है वो, कौन से नंबर के फॉर्म में, होल नंबर के फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है, हाँ बोलो, 62:123, 62:123। एनी डाउट माई फ्रेंड्स? यहां पे ऐसे लिखू क्या, प्लीज नोट, 1 आर इज इक्वल टू ऐसे, या ये पता है आपको ऑलरेडी, 1 आर इज इक्वल टू, लगे तो लिख लो क्या फर्क पड़ता है, कभी कंफ्यूजन हुआ तो, 1 आर इज हाउ मेनी मिनट्स, नेक्स्ट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे भाई बाद में क्लास के, 1 आवर में 60 मिनट्स कैसे आया सर, थोड़ा कंफ्यूजन है। वेदर आंसर 62:123 सही है क्या? ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, 8 फीट एंड 6 इंचेस इज टू, हां बोलो, 12 फीट 8 इंचेस। अब बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को एक जनरल नॉलेज चाहिए, फीट एंड इंचेस का रिलेशन चाहिए, पता है क्या, 1 फुट मतलब कितने इंचेस, 12 इंचेस। पता नहीं है तो अब पता कर लो मेरे भाई, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। अगर आपने, आपके पास स्केल है तो आपका जो लॉन्ग स्केल है एक साइड में सेंटीमीटर रहेगा, तो दूसरे साइड में देखो इंचेस है, उधर 12 इंचेस रहेंगे, तो आपका जो लॉन्ग स्केल है वो 1 फुट का होता है, कितना होता है, उसके अंदर 12 इंचेस रहेंगे। प्लीज नोट, 1 फुट इज इक्वल टू हाउ मच, बोलो, 12 इंचेस। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? तो चलो बताओ, यहां पे 8 फुट मतलब कितने इंचेस हो गए, बोलो, 8 × 12 + 6, 8 फुट 12 इंचेस मतलब इतने इंचेस हो गए ना ये, डिवाइडेड बाय, हां बोलो, डिवाइडेड बाय, बोलो मेरे भाई, 12 × 12 + 8। कैन आई से ये दोनों जो आंसर है ये इंचेस में है, किस में है मेरे भाई, इंचेस, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। ये समझता है ना सबको, 1 फुट इज इक्वल टू कितने इंचेस, 12 इंचेस। हाँ चलो बोलो, अभी 96 + 6 इज इट 102 इंचेस, इज इट 102 इंचेस, डिवाइडेड बाय कितना,
152 inches. आप बता बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई होता है या नहीं होता है? चलो सबसे पहले तो अपन दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं. किसे डिवाइड करते हैं? 2 से. तो क्या आएगा बताओ? 51 is to 76. और कुछ डिवाइड होता है तो कर लो, नहीं होता है तो वेदर आंसर इज 51 is to 76. अच्छा 51 is to 76 आंसर है या 51 inches is to 76 inches ऐसा आंसर है? 51 is रेशियो के अंदर. रेशियो एक बार आ गया तो फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकाल देना पड़ेगा. समझ रहा है कि आपको ये? रेशियो इज यूनिट फ्री. रेशियो इज यूनिट फ्री. तो आंसर इज 51 is to 76. 51 is to 76. कितने लोगों को समझ रहा है ये सब कुछ? पक्का? यस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताओ? 8 meters 10 centimeters is to 10 meters 18 centimeters. तो आप बताओ 1 meter मतलब कितने सेंटीमीटर होते हैं? पता है क्या आपको ये? पक्का बच्चों? जस्ट एक अपने नॉलेज के लिए मुझे बता दो यहां पे. आई एम श्योर आप जानते हो 1 kilometer इज हाउ मेनी मीटर्स? आर यू श्योर? इज 1000 meters. सही है बच्चों? उसके बाद बताओ 1 meter इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर? 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeters. डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? 1 meter इज 100 centimeter एंड 100 centimeters मतलब ही 1000 millimeters. समझ में आ रहा है क्या आपको? 100 centimeters मतलब कितना बोलो? 1000 millimeter. क्योंकि 1 centimeter में होता है 10 millimeters. आपके स्केल पे देखो बच्चों, 1 centimeter के अंदर 10 छोटे छोटे लाइन रहेंगे, वो 10 millimeter है. वैसे मैं आपको ये थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड का सिलेबस पढ़ा रहा हूं. कुछ दिनों पहले अपने बेटी को पढ़ाया था, मैं थर्ड में थी तब. बराबर है बच्चों ये? तो 1 kilometer में कितने मीटर्स होते हैं? 1000. 1 meter इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 100. एंड 100 centimeters मीन्स 1000 millimeters बिकॉज 1 centimeter इज इक्वल टू 10 millimeters. हाँ चलो बताओ. कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं बट अपने को वो भी कंफ्यूज करते, इसलिए क्लैरिटी चाहिए अपने. समझ आएगा अपने को? थोड़ा सा आता है, ये होता है, प्रॉब्लम होता है तो उसको पूछ के. समझ रहा है क्या? एक बार अच्छे से पढ़ के खत्म करने का, जिंदगी भर वो कंफ्यूजन कैरी नहीं करने का. समझ रहा है क्या? हाँ चलो बोलो. 8 meters मतलब कितने सेंटीमीटर्स? बोलो. 8 into 100 प्लस 10 centimeter है ही सामने, तो प्लस 10 कर दिया मैंने. 10 meters मतलब कितने सेंटीमीटर्स? 10 into 100 plus 18. अब बता बच्चों, ये जो भी मैंने एक्सप्रेस किया है दोनों सेंटीमीटर्स में आया क्या? दोनों सेंटीमीटर में है क्या मेरे भाई? तो कितना है पहला बोलो? 810 centimeters डिवाइडेड बाय 1000 18 सेंटीमीटर. अब बताओ ये जो आंसर है ये 810 is to 1018, ऐसा मैं बोल सकता हूं? 810 is to बोलो 1018, क्योंकि दोनों में सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट है अभी, तो अब सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है. तो बताओ ये बट सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? ये नहीं है तो दोनों को किससे डिवाइड करेंगे? चलो पहले तो 2 से डिवाइड करते, 5 से नहीं होगा ना बच्चों. 1018 डिवाइड बाय 5 किया तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, एंड फ्रैक्शन में नंबर आया मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता. सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है? होल नंबर्स. क्या होता है? होल नंबर. समझ आया आपको ये? हाँ चलो पहले 2 से डिवाइड करो दोनों को. हाँ क्या आता है बोलो? 405 is to 509. और सिंपलीफाई होता है तो करो. कुछ 3 से डिवाइड होता है क्या? दोनों को 7 से, 11 से, 13 से, दोनों को डिविजिबल चाहिए. एक से डिवाइड, एक को डिवाइड हुआ तो भी कोई फायदा नहीं है. वैसे 405 को 3 से डिवाइड हो सकता है बट अगले नंबर को नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शन में चला जाएगा ना फिर. समझा क्या आपको? बताओ ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या आंसर का? यस और नो? चलो नेक्स्ट. 5 minutes 33 seconds is to 8 minutes 45 seconds. तो आपको मिनट्स एंड सेकंड्स का रिलेशन तो ऑलरेडी जानते हो आप. हाँ चलो बोलो ये 5 minutes मतलब क्या हो जाएगा? 5 into 60 plus 33. ये आंसर सेकंड्स में आया क्या मेरे भाई? डिवाइडेड बाय क्या होगा बताओ? 8 into 60 plus 45 seconds. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेकंड में आया क्या भाई? तो टेल मी न्यूमरेटर कितना है जल्दी बताओ? इज इट 333 seconds? डिनोमिनेटर कितना है बोलो? 8 into 60 480 बराबर है ना? प्लस 45 कितना था? 5 25 seconds.
अच्छा, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है और सिंप्लीफाई होगा, ये होगा। एक काम करो, दोनों को थ्री से डिवाइड करो, तो क्या आता है बोलो, ये 1 1 1 is 2 525 डिवाइड बाई 3 इज 175। और सिंप्लीफाई होता है क्या बताओ, और किसी से 3 से वगैरह डिवाइड होता है क्या, 7 से 5 से कुछ नहीं होगा ना। तो वेदर आंसर इज 111:175। कितने लोगों को समझाए, 111:175, 333 डिवाइड बाई 3 किया भाई, एंड 525 डिवाइड बाई 3, एंड दोनों सेकंड में था, तो आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखने की जरूरत नहीं है भाई, दोनों सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आ गए, बात खत्म हो गई। उसके बाद में रेशो को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, रेशो को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, समझा क्या बच्चों। चलो नेक्स्ट, 8 GB is to 512 MB का रेशो चाहिए अपने को। आपको शायद पता रहेगा ये, तो आप तो जैन जी लोग हो, बराबर है ना। मेरे ख्याल से देखो, बेसिक नॉलेज कुछ ऐसा है, 1024 बाइट्स बिकम्स 1 KB, 1 KB बराबर है, देन 1024 किलोबाइट्स बिकम 1 MB, 1 MB बराबर है, देन 1024 मेगाबाइट बिकम 1 GB, गीगाबाइट, बराबर है ना, यस और नो, एंड 1024 GB बिकम्स 1 TB, टेराबाइट, बराबर है। इसके आगे भी है बट जनरली अपने काम में नहीं आता हो, बराबर है, इतना बेसिक तो समझा आपको। इसलिए क्या एक ही बार क्लियर चाहिए दिमाग में, सर वो नहीं होता है, कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन है तो एक बार खत्म कर लेना भाई, समझा क्या आपको ये। अब जनरली अभी ये ICAI ने स्टडी मटेरियल में कहीं पे लिखा नहीं है कि ऐसे भी कुछ होता है करके, बट वो पूछते हैं एग्जाम में। सबसे पहले तो एक और इंस्ट्रक्शन दूं मैं, कुछ कुछ लोगों को लगता है कि वो ICAI स्टडी मटेरियल मतलब उसमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। एंड वो ICAI स्टडी मटेरियल कुछ बहुत ऑथेंटिक नहीं है, देखो मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ ये, मतलब मैं कितना कॉन्फिडेंट रहूंगा इसमें, समझ रहा है कि मैं खुद CA हूं, बट फिर भी बता रहा हूं कि राइट, ICAI ने जो मटेरियल बनाया है वो कोई 100% एक्यूरेट नहीं है, समझ में आ रहा है, उसमें मिस्टेक्स है बहुत सारे जो अभी तक रेक्टिफाइड नहीं है, समझ रहा है क्या, कई सारे क्वेश्चंस उसमें रॉन्ग है। तो अपन जो यहां पे नोट्स कर रहे हैं बस ये पहले फाइनलाइज करने का, एंड सुनो ये खत्म करने का पहले, एंड फिर आके मुझे बोलने का कि सर ये हो चुका है, रिविजन बुक भी हो चुका है सब कुछ, अब क्या करूं, समझ रहा है क्या। बट जनरली क्या होता है स्टूडेंट, सर अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया सर, मैं स्टडी मटेरियल करूं क्या सर, सर मैं वो ये करूं क्या सर, मैं नेट से क्वेश्चन डाउनलोड करके करूं क्या सर, तू पहले ये कर भाई जो बोला है वो, समझ रहे क्या, पहले जो बोला है वो करने का, एंड फिर बोलने का कि सर मैं ये करूं क्या सर, समझ रहे क्या, पहले क्या करने का, जो बोला है वो उतना करने का, समझ रहा है कि नहीं, है कि नहीं, वो वही वो स्टार्ट भी नहीं करने का अपने को, बट स्टार्ट पे ही क्वेश्चन, सर मैं वो करूँ क्या सर, मैं ऐसा करूँ तो चलेगा क्या सर, सर मैं उसके बाद में CFA भी करूँ क्या सर, CFA होने के बाद अमेरिका जाऊँ क्या सर, अमेरिका में जाके प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ूँ क्या सर, तू पहले CA फाउंडेशन कर ले भाई, समझ रहे कि नहीं, जितने अपने सामने बुक है ना उतना पहले कंप्लीट कर ले, है कि नहीं, ओके चलो 8 GB and 512 MB, तो बोलो 8 GB मतलब 8 into 1024 MB, ऐसे हुआ क्या, यस और नो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 512 ऑलरेडी MB में है, यस और नो, तो टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर आंसर इज 16:1, नहीं समझा आपको शायद, अरे वो 1024 डिवाइड बाय 512 तो 2 आया, समझा, समझता है क्या आपको ये, नहीं भाई प्रॉब्लम, टेल मी 1024 into 8 कितना आता है, 8192, तो 8192 is to 512, दोनों को मैंने 512 से डिवाइड कर दिया, तो वेदर आंसर 16:1, वेदर आंसर 16:1 है क्या। चलो नेक्स्ट, 5 kg is to 880 ग्राम, तो चलो मुझे इतने तो बता दो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू
1000 ग्राम्स। अच्छा ये ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम है? 100,000। ये जैन जी देखो, घर पे तो माँ बाप को बोलोगे आज कि पापा मुझे 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम है पता नहीं, वो बोलेंगे आज ही छोड़ दे सी। 1 ग्राम। अच्छा मोबाइल पे देखिए, बताओ, देखो ना तुम तो एक्सपर्ट हो ना गूगल वूगल के। 100। हाँ बताओ, देखिए बताओ, और कोई लाइफलाइन यूज करना है? फोनो फ्रेंड। हाँ देखिए रहेगा ना गूगल। हाँ निकाल के देखो, एक फाइनल बताओ कुछ तो। देखो गूगल में बोलो, हे 1 ग्राम इज हाउ मेनी मिलीग्राम्स? क्या है भाई? अभी 100 बोल रहे थे, वो भी एक बार कंफर्म कर दो भाई, 1000 है क्या? कितना नॉलेज में एडिशन हुआ ना आज। 1 ग्राम इज हाउ मेनी मिलीग्राम? बच्चा कंफ्यूज है एंड वो बोल रहा है मुझे सीए बनना है, अस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, है कि नहीं? एंड ये बच्चा आके बाद में पूछता है सर वो करूँ क्या सर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया वो भी करूँ क्या सर, मैं उधर से डाउनलोड करके वो भी करूँ क्या सर, है कि नहीं? प्रॉब्लम है भाई अपनी जिंदगी में, है कि नहीं? तो क्या हुआ जी, मैंने बोला भाई ये कर, वो पहले करने का एंड फिर आगे का क्वेश्चन ना। अपना क्वेश्चन कब कहाँ होता है सर? अभी देखो वो लॉ का तुमने अभी तक एक सेक्शन नहीं पढ़ा रहेगा, बट वो मैं ये करूँ क्या, मैं उधर से ये करूँ क्या, तू जो करना कर भाई, पहले जो बोला है उतना कर। एंड मैं आपको बताता हूँ ये दो बुक रिविजन बुक DD, समझ रहे क्या आप? समझ रहे हो क्या? इसको गलत मत लेना, बट ये सॉल्व करना किसी के कोई किसी के बस की बात नहीं, दूसरा वर्ड आ रहा था मुंह में। समझ रहे हैं ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हर एक बस के 5,500 MCQ है इसमें DD में, समझ आएगा आपको ये? अब बोल सर, अब दूसरा क्वेश्चन उतना क्यों तो हो जाएगा क्वेश्चन, तू कर लेना भाई उतना, तुझे को खुद समझेगा होगा कि नहीं, वो क्यों तू हो जाएगा सर। ये एग्जैक्टली मैं बोल रहा था कल, अपने को जो पढ़ा रहा है जो बोल रहा है वो इंस्ट्रक्शंस ऐसे। अच्छा मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो मैं छुपा के रखना चाहता हूं क्या तुमको बताऊं? नहीं, मैं बताऊंगा ही नहीं इनको। हाँ तुम्हारे अपोजिट हो गया मैं, तुम्हारे साथ ही हो ना, तुम्हारा अच्छा होगा तो एज अ रिजल्ट हमारा भी अच्छा होगा ना, हो करेक्ट? अभी देखो यहां पे इतने बच्चे YouTube पे लाइव देख रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, क्यों है ये सब कुछ? हम कुछ पहले रिजल्ट दिए, इसका ही रिजल्ट है ना, ये है या नहीं? या टाइम पास करने बैठे हम यहां पे? हमारा भी करियर है मेरे भाई, समझ रहे कि नहीं? एंड तुम्हारे तुम्हें पास करने के लिए हम हर चीज करते हैं यहां पे, तुम्हें पास करने के लिए हम जी जान लगा देते हैं यहां पे। एंड तुम बोलोगे बाद में सर यू भाई तू पहले हमने जो बोला वो कर। अब आप मेरा थोड़ा लैंग्वेज, मेरा बात करने का तरीका, मैं थोड़ा गांव से आया इसकी वजह से मेरा लैंग्वेज ऐसा ही है, समझ रहे क्या? बहुत पॉलिश नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में कुछ पॉलिश काम में आने वाला है, समझ आए कि नहीं? 6 × 8 48 होता है, कोई 48 बोलेगा कोई 48 बोलेगा, तो इट्स वन एंड द सेम, बराबर है कि नहीं? 5 + 5 क्या होता है? 10। वो 10 बोलने का तरीका एक्सेंट में रहने से वो 10 चेंज नहीं होता ना भाई, वो क्या होता है? 10 होता है, समझ आएगी अपने को? तो अपन ने यहां पे ध्यान देने का, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का, समझता है क्या? राइट, जैसे यहां पे YouTube पे ये तो कुछ दिनों में आ जाएंगे बराबर लाइन पे, राइट? बट वो जो रहते हैं सर इसको करूँ क्या, कंटिन्यूस कमेंट आंसर देने का सिर्फ, फालतू के कमेंट नहीं करते बैठने का यहां पे, मैं कोई कमेंट ही पढ़ता भी नहीं फालतू की, समझ आएगा आपको ये? यस। जब कुछ दिनों में ऐप पे आ जाएगा तो बोलोगे नहीं सर हम कुछ तो करते, वो कोई फायदा नहीं, मैं गिन ही नहीं रहा हूं, तो आप समझ रहे हो क्या? कुछ लोग बोलते ये करवाओगे क्या वो करवाओगे क्या, मेरे भाई जो मैं करवा रहा हूं वो करो पहले, बराबर है कि नहीं? उसके बाद में देखेंगे ना कितनी जान बचती है अपने में, ये नहीं अपन वो किए भी ना ही अगले क्वेश्चंस, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, समझ रहे क्या? ये तो ऐसा हुआ ना कि समझो
ये लड़का बोल रहा है मुझे स्विमिंग सीखना है, क्या सीखना है? स्विमिंग, समझो मैं स्विमिंग का कोच हूं, ओके। मैं बोल रहा हूँ चल एक काम कर पानी में उतर, अपन सीखेंगे धीरे धीरे, ये हाथ कैसे, हाथ का मूवमेंट क्या होगा, पैर का, सांस कब लेना है, मुंडी अंदर कब डालना है, बाहर कब निकालना है, ये सीखाऊंगा तो ये धीरे 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 सीखते। और नहीं 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 पानी में नहीं उतरना है मुझे, समझेगा पानी में नहीं उतरूंगा मैं। फिर मैं बोलेगा फिर कैसे सीखेगा, इधर सीखा बराबर, मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ कि फिर पानी में जाने का ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद में हाथ ऐसे घुमाने का, फिर वो बोलेगा कौन से एंगल में सर, मैं बोलूंगा 30 डिग्री में, 30 डिग्री में घुमाने का ऐसे 30 डिग्री में, फिर इधर आने के बाद 40 डिग्री से ऐसे फोर्स से नहीं पीछे लेने का, बराबर है कि नहीं? उस समय पे पैर ऐसा होना चाहिए, फिर पैर ऐसे करने का उस समय पे, फिर वो बोलेगा सर डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा है कि नहीं? फिर ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा है घर पे, बोल रहा है अंदर जाओ जम आते 30 डिग्री में, इधर आते 40 डिग्री में, मुंडी ऊपर करो, सांस लो मुंडी ऊपर करो, सांस लो सांस लो सांस लो सांस लो, इधर से फुल रट्टा मार के याद कर लिया उसने, एग्जाम लिया 30 में से 30 मार्क, समझ रहे कि नहीं? अब आ गया प्रैक्टिकल का दिन, बोला चल भाई गया, आएगा 30 डिग्री, अब अंदर जाने के बाद ओ बचाओ है कि नहीं? अब इस होने वाला है क्या मेरे भाई? अब थ्योरी याद आएगी क्या उधर? 30 डिग्री में घुमाओ, ऊपर आओ, सांस लो, समझ रहा है कि नहीं? नहीं होता है। अच्छा ड्राइविंग सीखना है आपको, अब बताओ बैठना पड़ेगा ना स्टीयरिंग पे पहले, है या नहीं? या पूरा थ्योरी में करेक्ट है? तुम्हारा प्रॉब्लम ये है सर ओटीपी करूं क्या, अभी स्टीयरिंग पे बैठे नहीं, ट्रक आया तो क्या करूं, बस आया तो क्या करूं, हॉर्न बजा ही नहीं तो क्या करूं, ब्रेक दबा ही नहीं तो क्या करूं, बराबर भाई? बैठ ले पहले, इंस्ट्रक्शन बेसिक फॉलो कर पहले, ये स्टेयरिंग है, ये एक्सलेटर है, ये क्लच है, ये गियर है, ये नॉन गियर है, जो भी कुछ है पहले इंस्ट्रक्शन सुन ले, जितना बोला है उतना कर ले पहले। वो नहीं करेंगे अपन, अपन क्या करेंगे सिर्फ रोज उठ के नए क्वेश्चंस, ये अप्रोच से बाहर आओ पहले, समझता है क्या? तब सीए बन पाओगे, समझता है क्या? ओके चलो करें कंटिन्यू हम लोग। चलो बताओ क्या हुआ फाइनल, देखा क्या अपने मोबाइल पे? 1 ग्राम कितने मिलीग्राम होता है? हाँ बोलो 1000, आर यू श्योर? 1000 मिलीग्राम ना, 1 ग्राम इज वन, ये फाइनल डन है क्या अभी? 1 ग्राम इज 1000 मिलीग्राम, यस और नो? चलो बोलो फिर, 8.5 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम साहब बताओ? 8.50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, 880। ये दोनों ग्राम्स में है क्या बच्चों अभी फिलहाल? ये दोनों ग्राम में आया क्या बच्चों? तो बोलो न्यूमरेटर कितना है? बोलो 8500 ग्राम्स इज टू, बोलो डिवाइड बाय क्या करो? 880 ग्राम्स। तो चलो दोनों को किससे डिवाइड कर रहे हो बोलो मुझे? सबसे पहले एक काम करो 10 से डिवाइड करो पहले तो, हाँ किससे? 8500 है ना ये, 850/88, आर यू श्योर? अच्छा फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? नहीं, इससे किससे डिवाइड होता है? 2 से, तो बोलो क्या आएगा? 425 इज टू 44। और कुछ होता है क्या सिंप्लीफाई? कुछ और 4 से 3 से डिवाइड होता है किसी से? नहीं, तो मेरा आंसर इज 425 इज टू 44, 425 इज टू 44, सही है क्या बच्चों? चलो नेक्स्ट बताओ, 8.8 किलोमीटर्स इज टू 44,000 मिलीमीटर्स, 44,000, तो अपन ने रिलेशन ऑलरेडी लिखा है। चलो एक मिनट ध्यान दो बच्चों, 8.8 सुनो तो बच्चों, 8.8 किलोमीटर है ना बच्चों, तो बताओ इंटू 1000 कर दिया मैंने तो क्या आ जाएगा? मीटर्स, मीटर्स में आया। अच्छा इंटू 1000 किया तो मीटर्स में आया, फिर इंटू 10 कर दिया मैंने, सॉरी इंटू 100 कर दिया तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर्स, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। अच्छा ये अभी आंसर किस में आया? सेंटीमीटर, इंटू 10 कर दिया तो किस में आया आंसर? मिलीमीटर्स। कितने लोगों को समझाए? लिख के दिया है कि मैंने ऊपर आपको, 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स? 1000 मीटर में आया। 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 100। 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मिलीमीटर्स? 10। ये स्कूल का भी बेसिक सिलेबस है, समझता है कि आपको ये? डिवाइडेड बाय बताओ क्या है ये? 44,000 मिलीमीटर्स, यस और नो? अब बताओ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मिलीमीटर्स में है क्या मेरे भाई? चलो बोलो
न्यूमरेटर क्या आ रहा है अभी, 8.8 इंटू 1000 इंटू अगेन 100 इंटू 10, हाँ तो बोलो इज इट 88 लैक्स, 88 लैक्स मिलीमीटर्स डिवाइडेड बाय 44,000 मिलीमीटर्स, तो क्या आंसर है इसका, 200:1 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, 200:1 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है बच्चों ये, यस और नो? तो आप बताओ, आप अभी आज घर जाके अपन रेशो का मीनिंग क्या है वो सीखे, समझ रहा है क्या, व्हाट इज रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी लेसर इनइक्वालिटी, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, ये बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इतना पढ़ने को कितना टाइम लगने वाला है मेरे भाई, 10-15 मिनट, चलो तुम फिर भी आधा घंटा पढ़ लेना, 2 आवर्स में 30 मिनट्स तो दे ही सकते ना मैथ्स के लिए, अब हो भी गया तो भी थोड़ा देखने का उसके, उस पर थोड़ा अपन सोचने का, थोड़ा टाइम देने का उसके ऊपर, एक आदत लगाने का भाई, अपन रोज पढ़ रहे, समझ रहा है क्या? तो डेफिनेटली आपको एक महीने डेढ़ महीने के बाद आपको लगेगा ये प्रोसेस ही बहुत आसान है, रोज उठ के रिजल्ट की मत सोचो, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस, रिजल्ट ऑटोमेटिक तुम्हारे फेवर में आएगा, समझ रहा है क्या? जर्नी अगर एंजॉय करोगे तो डेस्टिनेशन पे जाने का मजा ही कुछ अलग रहेगा, डेस्टिनेशन में अपन एक बार जाते हैं, जर्नी 5 घंटे का रहता है, तो 5 घंटा एंजॉय करना, 5 घंटा अच्छे से रहना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, समझ रहे कि नहीं? अगर अपन रोज सोचेंगे कि भाई ये जर्नी है अपना, अपन अच्छे से कंप्लीट करेंगे, डेस्टिनेशन का भी एक अलग मजा रहेगा फिर, इफ यू आर एंजॉयिंग जर्नी आल्सो, है या नहीं? यहां तक क्लियर है बच्चों? जस्ट आज का लास्ट पॉइंट, 13 पढ़ लेना, क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट, मतलब ऑर्डर मतलब सिक्वेंस, समझो मेरा इनकम इज टू ये बच्चे का इनकम का रेशियो 2:7 है, क्या है, तो आप मुझे बताओ 2:7 को मैं ऐसे ही 7:2 लिख सकता हूं क्या? नहीं। तो अगर मेरा इनकम इज टू उसका इनकम 2:7 है, तो आई हैव टू राइट 2:7, आई कांट राइट 7:2, 7:2 क्या होगा, उसका इनकम टू मेरा इनकम का रेशियो, तो ऑर्डर सीक्वेंस मैटर करता है या नहीं करता है? समझो मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन पुणे इज टू नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन मुंबई का रेशियो है 1:20, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पुणे में 1 सीए है तो मुंबई में 20 है, पुणे में 5000 सीए है तो मुंबई में 1 लाख है, पुणे में 5000 है तो मुंबई में कितना है, 1 लाख सीए है, आप समझ रहे हो क्या बच्चों? समझो मैं बता रहा हूं आपको कि नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया इज टू नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन मुंबई का रेशियो इज 3:1, का रेशियो इज 3:1, इससे आपने को क्या क्लैरिटी आ रही कि इंडिया के 1/3 सीए कहां पे है, सिर्फ मुंबई में, आप समझ रहे हो क्या, ये फैक्ट है, इंडिया के ऑलमोस्ट 1/3 सीए कहां पे है, सिर्फ देश के एक सिटी में, कौन से, मुंबई में, आप समझ रहे हो क्या, रेशियो बताया मैं, अभी भी नंबर बताया क्या कि पुणे में इतने सीए है, मुंबई में इतने, बोला क्या कुछ नहीं, बट एक कंपैरिजन तो हो रहा है कि नहीं यहां पे, आप मुझे बताओ पुणे के सीए इज टू मुंबई का सीए का रेशियो 1:20 है, तो मैं ऐसे ही उसको 20:1 बोल सकता हूं क्या, नहीं, तो ऑर्डर सिक्वेंस इज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ टर्म्स इज इंपॉर्टेंट, मतलब ए इज टू बी इज नॉट इक्वल टू बीज टू ए, हाँ बट अगर ए एंड बी सेम रहेगा तो ये पॉसिबल रहे, बट अदरवाइज ए इज टू बी को हम बीज टू ए नहीं बोल सकते, दीज आर टू डिफरेंट रेशियोज, दीज आर टू डिफरेंट रेशियो, ए इज टू बी एंड बी इज टू ए इज डिफरेंट, इज दैट क्लियर माई फ्रेंड्स, सबको समझा अच्छे से ये, आज जो भी अपन पढ़े रिवाइज करके आओगे क्या, शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड्स।